गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ी कपकपी मेरी चढ़ी है क्योंकि अब कराची में आज से फील होने लगी है ठंडी हवाएं, जो क्वेटा की मेहरबानी है। और आज मुझे बाकायदा सर्दी लग रही है। मैं कह रही हूँ सब ARY के AC बंद करवा दो, क्योंकि देखो जो आवाज़ जो निकल रही है वो कुछ ऐसी सर्दी वाली निकल रही है। वैसे आपस की बात है, आज बड़ा क्यूट शो, बहुत मज़ेदार शो, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम छोटे होते थे ना, जब हमें अक्ल नहीं थी, हमारी ख्वाहिश क्या होती थी, हम हाथ फैलाते थे दुआ मांगने के लिए, अल्लमिया अल्लमिया अल्लमिया, प्लीज़ स्कूल की छुट्टी हो जाए, प्लीज़ स्ट्राइक हो जाए, प्लीज़ ये हो जाए, फलाना हो जाए, धमाका, मतलब लाइक हमारी ख्वाहिशात ये होती थी। अगर आप अब सोचते हैं आपकी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हो जाती, लेकिन सब छोटी छोटी ख्वाहिशात, स्कूल की छुट्टी हो जाए। अब तो जो बच्चों ने दुआएं की होंगी, अल्लाह मैंने ऐसी सुनी कि इतनी स्कूल की छुट्टियां मिल गई पूरे साल कोरोना की वजह से। फिर जैसे थोड़ा शऊर आता गया तो फिर दुआएं चेंज होती रही, चीज़ों के लिए दुआएं मांगने लगे, अल्लाह मियाँ मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट मिल जाए, अल्लाह मियाँ मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। फिर और थोड़ा शऊर आया, हमारे ग्रेड्स अच्छे आ जाए, अल्लाह ताला प्लीज़ प्लीज़ हमारे ग्रेड्स अच्छे आ जाए, पढ़ाई नहीं की हो सारे साल हैं, फेल होने का चांस हो, और दुआ मांग रहे होते हैं हमारे ग्रेड्स, प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ। तो ये होती है जी वो दुआ। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं और शादी का वक्त करीब आता है तो दिल ही दिल में हम यही दुआ मांग रहे होते हैं कि रिश्ता अच्छा आ जाए, ससुराल वाले अच्छे हों, लड़का बहुत अच्छा हो, बड़ा केयरिंग हो, बड़ा हैंडसम हो, ये सब चीज़ें हम मांग रहे होते हैं दुआएं। कभी कभार कुछ लड़कियाँ ये भी मांगती हैं, बड़ा पैसे वाला हो, हर लड़की ये मांगती है कि बस हैंडसम हो और केयरिंग हो और लविंग हो। लेकिन जो बहुत समझदार लड़कियाँ होती है वो कहती है अल्लाह करे बहुत स्टैब्लिश्ड हो, मतलब बाकी लड़कियाँ तो कहती हैं बस हम मोहब्बत के सारे ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो फिर और आगे बढ़ती है ज़िंदगी, जब आप माँ बनती हैं तो आपकी यही ख्वाहिश होती है कि जो अल्लाह ताला आपको औलाद दे वो नॉर्मल हो, बेटा हो या बेटी हो, बस बिल्कुल नॉर्मल हो। क्योंकि मैंने देखे हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे थोड़े स्पेशल होते हैं, उनके लिए प्यार और मोहब्बत तो कम नहीं होता औलाद का, लेकिन एक जो मुश्किल फेस करनी पड़ती है ज़माने के हवाले से कि आपके बच्चे को सब एम्पैथी बहुत तर्स की निगाह से देख रहे होते, वो माँ बाप को कुछ अच्छी नहीं लग रही होती। तो बहरहाल फिर आगे बढ़ती है ज़िंदगी, तो फिर माँ दुआ करी होती अपनी औलाद के लिए, अब उसकी दुआएं उसके लिए नहीं होती, अब उसकी दुआएं चेंज हो जाती है, उसकी दुआएं उसकी औलाद के लिए हो जाती हैं कि मैं मेरी औलाद के लिए ऐसा हो, मेरी औलाद खुश रहे, मेरी औलाद कामयाब हो। वही दुआएं जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो हाथ उठते हैं अल्लाह के आगे, जब आप सजदे में जाते हैं तो वो सिर्फ आप अपनी औलाद के लिए ही बोल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ आप करती हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी बेटी को बहुत खुश रखे, आबाद रखे। और जब रुखसती हो रही होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग माँ बन के आपके सामने खड़ी होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल इतना दहल रहा होता है, इतना मतलब वो कहती हैं कि हमने इतने नाज नखरों से अपनी बेटियों को पाला है। क्योंकि बेटी जो है वो माँ की पक्की सहेली होती है ना, पता नहीं आगे जाके उसे कैसा ससुराल मिले। और बेटी बहुत अच्छे से जानती भी है माँ को, अगर माँ खुश है तो बेटी सबसे पहले अंदाज़ा लगा लेती, चाहे वो कितनी भी छोटी है, कि क्या क्यों खुश है। और अगर माँ दुखी है और वो अपनी औलाद को अपनी बेटी से शेयर भी नहीं कर रही, मगर फिर भी बेटी भांप लेती है कि मेरी माँ खुश नहीं है, चाहे बेटी कितनी ही छोटी हो। ऐसी ही कुछ सेलिब्रिटी माएँ हैं आज अपनी प्यारी प्यारी सी बेटियों के साथ, जिनकी बेटियों ने उनके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हम भी जब छोटे थे अपनी अम्मा पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, उनकी चीज़ें लेकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, उनके बड़े बड़े दुपट्टे लेके साड़ी बांध लेना, उनके बड़े बड़े जूतों में अपने पैर डाल लेना, उनकी लिपस्टिक से अपने मुँह पर कुछ अजीब सा मेकअप कर देना, फिर उनकी लिपस्टिक या मेकअप को ख़राब और बर्बाद कर देना, ना जाने क्या क्या चीज़ें बचपन में हमने नहीं की होंगी अपनी माँ की। और आज भी जब मेरी अम्मी बेड रिडन है और मुझे पता है कि अब उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, वो शायद मेरे लिए उठकर कुछ ऐसा नहीं कर सकती जैसा वो पहले भाग भाग के किया करती थी, फिर भी जब मैं थक जाती हूँ, जब मुझे सुकून नहीं हो रहा होता, जब मेरे ऊपर बहुत सारे काम होते हैं और पूरी दुनिया का बोझ होता है, बच्चों का, घर का, काम का, तो तब भी मैं अपने मोराल को अप करने उनके पास जाती हूँ और उनसे लिपट के कहती हूँ मैं थक गई। और आज भी वो मेरा मोराल अप करती हैं और कहती हैं कि नहीं, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम बहुत हिम्मत वाली हो,
तो माँ बाप चाहे कितने भी एजेड हो जाए, लेकिन जब तक वो आपके सर पे रहते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए दुनिया में सब कुछ है। और खुदा ना खास्ता जब किसी के माँ बाप चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक खला ऐसी है जो पुर नहीं हो सकती। ये है एक औलाद और एक माँ का रिश्ता, एक बाप का रिश्ता। खास तौर पे बेटी और माँ का रिश्ता बड़ा यूनिक होता है। आपस में लड़ती भी हैं, ऐसे लड़ती हैं सीरियसली, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे सौतने हैं। आपस में लड़ती भी हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करती हैं, एक दूसरे के आंसू भी पोंछती हैं, एक दूसरे को अपना कंधा भी देती हैं। तो ये जो माँ और बेटी का रिश्ता, ये एक सहेली का रिश्ता होता है। ऐसी सहेली जो इतनी सिंसियर होती है एक दूसरे से, जो और कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए इस माँ बेटी के रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। और ये ऐसी सेलिब्रेशन है जो कभी भी हो सकती है, इसके लिए मुझे मदर्स डे की ज़रूरत नहीं। आज एक बहुत क्यूट सा प्यारा सा शो है जो आपके सामने माँ और बेटी की मोहब्बत, माँ और बेटी का प्यार दिखाएगा। तो आइए सारी माँ बेटियाँ मिलकर मेरे सामने बैठ जाए और देखिए बहुत प्यारा इमोशनल क्यूट सा शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक खूबसूरत रिश्ता जो है माँ और बेटी का रिश्ता, उसको लेकर हम आज शो कर रहे हैं। ये जज्बाती रिश्ता, ये मोहब्बत भरा रिश्ता, ये प्यार भरा रिश्ता आज आपको अपनी माँ की याद दिला ना दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाँ हाँ, कभी कभार अम्माओं को याद करना चाहिए, दुनिया में है या नहीं है उनको याद करके आपके दिल को बहुत तस्कीन और सुकून मिलता है। अपने फ्लैशबैक में जाके अम्मा के साथ बिताए हुए वो सारे दिन, वो सारा बचपन, वो सारी जवानी, वो सारा लड़कपन, उनकी मार, उनकी डांट, उनका प्यार, और आपको बड़ा एक दफ़ा फिर इंसान बना देता है। तो आइए वेलकम करते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो अपनी अपने बच्चों के साथ उस वक्त से आपको नज़र आ रहे हैं जब से वो इस दुनिया में आए हैं, और उनके बच्चों को बाकायदा आपने ग्रो करते हुए देखा है, तो आप बन गए उनकी खाला फूफी। तो आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी सादिया इमाम अपनी बहुत ही क्यूट और लविंग मीरब के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अभी आगे हम रुके नहीं थे कि हमारा नाम आ गया। हाँ। मैं वाह, कैसी हो खाला? मैं ठीक हूँ। खाला को क्या हुआ? ओहो, खाला की मेरी मैचिंग देखो, हेयर बॉल पर्पल पर्पल। वाओ, यू लाइक माय पर्पल हेयर? हाँ, yes. अब मीरब जर्मनी जाके कराएगी पर्पल बाल, अल्लाह ही खैर करे। कुछ क्लास फाइव में कहेगी मामा मेरे बाल रेड करा दें। तुम क्लास फाइव तो बहुत ज्यादा ले रही हो, ये तो अभी डिसीजन हो रहे, थोड़ा सा रेड वाला मरून पर्पल करते। मीरब को हमने बचपन से देखा है, मीरब बहुत केयरिंग है, ये तो हम भी जानते हैं ना, मीरब बहुत लविंग है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है सादिया जो अब सादिया ने जो है वो ऑब्जर्व किया मीरब की, कि मीरब के अंदर ये चीज़ भी है? मीरब में देखो, वैसे तो माँ को मेरा खाला को कहना बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे में जमा हो जाती हैं। मीरब बहुत सेक्रीफाइसिंग है फॉरन अब For, ये तो मैंने भी देखा था। हम एक बर्थडे में गए थे एक साथ और मीरब को गुडी बैग मिल गया था, उस वक्त बालाज को नहीं मिला। तो बालाज होता है अपने गुडी बैग नहीं मिला, ख़त्म हो गया। इसने मीरब ने, हालांकि वो गर्ल्स का गुडी बैग था, इसने बालाज को रोते हुए देख के अपना गुडी बैग ऑफर कर दिया। जबकि इस एज में बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक नहीं, छीनने वाले होते हैं। मीरब आप यहाँ आएंगे नहीं, कैमरा आपको, मुझे इतनी अच्छा इसका ये जेस्चर लगा, मैंने कहा मैं कभी ना कभी जरूर बताऊंगी कि ये बहुत सैक्रिफाइसिंग इसकी नेचर, इसने अपना उठा के दे दिया बालाज। और ये सिर्फ चीज़ों में नहीं है, वैसे भी इसने अपना खाना खा रही हो तो अगर किसी का लेट आए तो फौरन अपना शेयर करना, हाँ, कि हाँ। अच्छा मैं बाद में खा लूंगी या अभी ये करा, तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर खुद से है नहीं, एक तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप की चीज़ें भी कुछ आती हैं और कुछ टोकने से भी बच्चे को आती हैं कि हाँ। आपने कहना पड़ता है कि नहीं शेयर करो कजिन्स के साथ, शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं इनको हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब हमारा खुदा, हमारा रब हमसे इतनी चीज़ें शेयर कर रहा है, लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता और वो हमसे हर चीज़ शेयर किए जा रहे हैं, तो आप नहीं करेंगी? अच्छा, मीरब सादिया के लिए क्या करती है? कभी सादिया के सर में दर्द है या कोई ऐसी चीज़ मतलब वो फील करती है तो क्या फौरन फौरन दबाती हो?
खाला आपको दबा के दिखाएं तो अच्छा ऐसे ऐसे करके हाथ दबा दो खाला इतना मजे का खाला ऐसे ऐसे प्यार मैं अपनी भांजी को दबाऊंगी मैं भाई भांजी से नहीं दबाऊंगी प्यारा दबाती है कि आलिया और बाजी आती ना कहती है भाई हम सदा के लिए आते हैं कि मुझे छोटे छोटे हाथ होते हैं और मीरब क्या करती है मम्मा के साथ देखो सर दबाती है कभी मेकअप पकड़ के मेकअप करती है मम्मा का कभी कभी करा था कल रात जब मम्मा अर्तुगरुल देख रही थी दूसरे दिन जब मैं स्कूल था मम्मा को करती थी हाँ बाल ब्रश करती है मामा के मामा के बाल ब्रश भी करती है मजा आता है वैसे सबसे अच्छी चीज मामा को उलझन होती है जब मैं उनको कंघी से करती है ना हाँ वो बैककॉमिंग शुरू हो जाती है उसमें तो होगा मीरब और क्या क्या करती है मम्मा को मतलब लाइक उसको क्या क्या मजा आता है मम्मा के लिए करने में ये सोच के बताओ मम्मा के लिए कुछ खाना पकाने में मजा आता है कोई चीज सेट करके डेकोरेट मैं करती हूँ बट वो मुझे करने नहीं देती वो बोलते पहले भी मैंने वो ठंडा जूस पिया था वो बोलती हैं आपको बुखार हो जाएगा ओ नहीं लेकिन ऐसा है जैसे मम्मा सो रही होती हैं और आप जब खुद उठ के मतलब ये नहीं होती टेंशन कि आप साथ उठ जाए मम्मा हाँ। ऐसा नहीं है इनको पता छुट्टी का दिन है और ये जल्दी उठ जाती हैं तो ये अपना नाश्ता वाश्ते की मुझे टेंशन नहीं है अगर लड़की नहीं आई तो ये खुद जाके अब आप बताएं क्या करती हैं बाहर जब निकलती हैं जी मैं जब मेरी आबी नहीं आती मैं खुद अंडा बनाती खुद नीरव क्या फ्राई करती अंडा फ्राई मैं कर देती हूँ लेकिन हाँ। अंडा फेंटने से लेके फ्राई भी मेरा खाली कर ले लेकिन वो थोड़ा मुझे डर लगता है छीटे मीटे हाँ। ना पड़ जाए टोस्ट कर लेना तो अपना सादिया ने पूरा जर्मनी के लिए तैयार किया हुआ है खुद से काम करना कॉर्नफ्लेक्स दूध ये सब चीजें जो है चॉको बार अच्छा जब मम्मा सो रही होती है दूध भी खुद बना देती हूँ दूध भी खुद बना लेती हूँ पलाश तो मुझे उठा देता है जैसे ही उठता है लेकिन ये जो गर्ल्स होती है ना ये मम्मा को बहुत प्यार करती है तो आप मम्मा को सोने देती है मम्मा को उठाती नहीं उठाते नहीं हाँ और अगर कभी ऐसा होता है रात को मीरब को डर लगता है फिर क्या करती है मीरब मैं बिस्तर के नीचे छुपाती हूँ ऐसा तो नहीं होता बिस्तर के नीचे ही छुपती हूँ ब्लैंकेट के नीचे ब्लैंकेट के नीचे और करती क्या है क्या पढ़ती क्या है ये बताएं दुआ पढ़ते भी मेरी आलिया खाला को यहाँ एक गरम खाना था यहाँ जल गया था मैंने उनके लिए दुआ पढ़ा कितनी अच्छी बात है ये अच्छी बात है ना ये तो बहुत प्यारी बच्ची है तो आज मीरब और सादिया हमारे साथ है लेकिन ये क्या होने वाला है आज ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है आज क्या होगा ये आप जानेंगे थोड़ी ही देर के बाद उससे पहले हम जरा सारी माओं को और बच्चियों को जमा कर लेते हैं आइए वेलकम करते हैं हमारी एक और दोस्त तहरीम जो कि आपकी भी दोस्त है और उनकी बहुत ही प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड बेटी नोया जो कि मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्त है ना माशाल्लाह आइए वेलकम करते हैं अम्मा बेटी ने कुछ क्विनिंग सॉर्ट ऑफ किया है अस्सलाम वालेकुम कैसी है बिद्दू जी छोटी सी तहरीम देखते ही हम देखते थे तहरीम को पहले उसके बाद नोया इनकी जिंदगी में आ गई है नोया और तहरीम अब नोया माशाल्लाह ग्रो कर रही है तो नोया और तहरीम का रिलेशन कैसा है बहुत स्वीट एंड सार टाइप का बहुत रात में भी हमारी लड़ाई हुई किसी हाँ क्योंकि अब वो वाली एज आ गई ना जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है ओहो और जो मैं कह रही हूँ उसको मैं प्रूव भी करूँगी ना कि ठीक है पहले होता था हमारे होता था बचपन होता था और फिर लड़कपन का हमें पता नहीं चलता था फिर एक जवानी आ जाती हाँ अब ये बचपन लड़कपन के बीच में एक स्टबर्न फेज होता है पता नहीं उसको क्या कहते हैं उसको समझ में नहीं आता आपको नहीं पता मामा आपको नहीं पता नहीं वाली चीज आपको नहीं पता देखा आपको नहीं पता वाली तो मैं इजाजत नहीं देती कि आप मुझसे बोलें कि आपको नहीं पता बट मैं मेरी बात सुन ले मैं जो कह रही हूँ ना पहले आप वो सुने पहले मेरी पूरी बात सुने अच्छा मोबाइल रखे मेरी बात सुने अच्छा मेरी तरफ देखे और मेरी बात सुने जो होता है ना आप मैं कहती हूँ यार मैं जेल में हूँ हाँ मैं सुन रही हूँ और फिर ये नहीं होता कि सिर्फ आप मेरी बात सुने अगर मैं कुछ टीवी पे या नेटफ्लिक्स पे कुछ दिखा रही हूँ सब छोड़ दें रुकें अगर आप किचन तक गए तो पॉज हो गया वॉशरूम तक गए तो पॉज हो गया तो मैं कहती हूँ मेरा इम्तिहान थोड़ी है बेटा ये मैं देख लूंगी मतलब जैसे आजकल बलाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है गेम सीखे जो खुद खेलता है हाँ। रोब्लॉक्स सीखे ये फील कर
ये फेस करती है हर वक्त अच्छे बढ़ावा। आप बैठे, मैं आपको सिखाता हूँ। अरे भाई मुझे नहीं, हमारे यहाँ तो ये वाला टॉर्चर है ना आरएस का, वो नोया बर्दाश्त करती है, मैं नहीं करती। अच्छा नोया, नोया की जो है वो जैसे ये केयर करती है सादिया की, वैसे नोया के अंदर क्या क्वालिटीज हैं केयर करने की? आप पूछें कि आपकी बेटी आपको तंग कैसे करती है। 101 तरीके मैं आपको एक दिन में बता सकती हूँ कि हाउ टू इरिटेट योर मदर। और ये उसमें कहेगी कैसे करीब ये तो कैसे, मतलब सबसे आसान तरीका पता क्या है? क्या अपने माँ बाप की बात ना सुने इससे ज्यादा। नोया चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, आज तुम्हें मौका देती हूँ बोलने का। नोया को माइक लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। हाँ हाँ नोया चल, आज तुम बोलोगी हम सुनेंगे। क्या क्या करती हो तुम अम्मा के साथ? करती क्या हो? देखें कुछ भी नहीं। अच्छा इरिटेट होना चाहती है। अच्छा जब ये सो रही होती है तो जाके उठा लेती हूँ कि उठे भाई बोर हो रही हूँ मैं। मुझे लेटने दे, मैं अपना आईपैड देखती हूँ चुपचाप। वाह वाह, उच्चे तुम क्या कह रही हो? फोन पे होती हूँ। फोन पे अम्मी तपती होगी कि पूरे दिन फोन पे लगी रहती हो? नहीं अब मुझे गेम पसंद नहीं आ रही। अच्छा क्योंकि अब मुझे फोर्स होता है आप खेलेंगे, आप अभी खेलेंगे नहीं, अब आप खेलेंगे, वो जबरदस्ती करके आपने खेला। अगर मुझे अगर मैं कोई देख रही हूँ खेलते हैं, चलो एक कहते हैं एक राउंड, एक राउंड एक और हमने मैं मतलब मैं नहीं चाहती गेम खेलना, और फिर मतलब मैं फोर्स। लेकिन जुल्म की इंतहा देखी आपने। अच्छा अम्मी क्या फोर्स करती हैं? ये तो आरएस ने फोर्स कर लिया ना, अब अम्मी क्या फोर्स करती हैं? अम्मी तो अच्छा अम्मी फोर्स कहती हैं। अम्मी का भी किस्सा सुन लेना। हाँ। मतलब मैंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे ना अम्मी जान कहा करो अम्मी, क्योंकि हम अपनी माँ को अम्मी कहते थे, तो मुझे मैं बहुत मिस करती थी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़। तो मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मैंने इसको फोर्स किया, तो मुझे कहती है नहीं लगती आप अम्मी जान। तो मैंने कहा मैं क्या लगती हूँ, आप मामा लगती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कौन लगता है अम्मी? से मुझे 2-3 एग्जाम्पल्स दे दी। तो मेरी छोटी वाली बहन की बेटी है, वो बहुत प्यारी बातें करती, तो मैंने उसे कहा आयरा मैं अब आपकी अम्मी जान हूँ, तो वो मुझे अम्मी जान ही कहती है। तो जब से उसने अम्मी जान कहना शुरू किया, तो आरएस ना कुछ अनकंफर्टेबल से हो गए ना, कुछ इनसिक्योर से कि ये अम्मी जान मतलब कैसा। तो अब वो दिन में कुछ 10-15 दफ़ा आके सिर्फ मुझे प्यार करके हक करके ये कहता है कि अम्मी जान मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ। अम्मी जान मैं कहूँगी आप कौन है, आप किसके बेटे? मैं अम्मी जान का बेटा। क्या कहती हो? सो ये इन्होंने बिल्कुल जो अभी कह रही हो ना, तो ये वाली पाबंदी होती है कि मुझे जब मेरे स्कूल आए तो ज़रा से अच्छा तैयार हो गया है, ये होता है या कुछ भी है? तुम क्या है मतलब इसको होता है समथिंग फैशनेबल मतलब। अच्छा वो समथिंग मतलब जी हां, मतलब मम्मा का स्टाइल वैसे भी अच्छा है। वही टॉप दोबारा क्यों पहना है ये मम्मा? बाय यार नहीं बट स्टाइल अच्छा है। नहीं लेकिन कभी कभार होता है ना सर झाड़ मुंह फाड़ लाइन कुछ तैयारी वगैरह के बगैर आपको पिक करने आ गए। कभी कभी बालों पे मैं, तो तुम कहती हो कि बाल जरा सही से बना के आ जाते, मेरी फ्रेंड्स देख रही होती वो, क्योंकि वो नहीं मेरी फ्रेंड्स ऐसी नहीं है। हाँ उसको इतना शौक है ना कि भी माते हाँ। बालों में उनका कोई खास इंटरेस्ट है, क्योंकि बालों से वो काफी परेशान सी है। हाँ। अपनी जिंदगी में बाल बहुत लंबे हैं और चाहती नहीं है हाँ। बाल लंबे हों। ये आपके नहीं, ये अब्बू जान की। अब्बू जान अम्मी जान की क्या हो रहा है? बेटे माँ बोलना और बाबा को अब्बा बोलना। अब्बा ने कहा सॉरी, अदनान ने कहा आप ये माशा जो कहलवाना है वो कहलवाइए, दादी दूदी मुझे बेटे आपने सिर्फ बाबा कह रहे हैं, इवन बाबा भी आप मुझे अदनान कहा करें, हम जस्ट योर फ्रेंड। तो वो मेरे माँ भी चला गया, तो बड़ा शौक था माँ तो हम लोग भी तो फंस गए ना। यासर ने भी बड़े शौक में शुरू में तो यासर कहलवा दिया, अब उसके मुंह पे डैडी अब्बू बाबा नहीं आ रहा, अभी वो यासर ही कहता है। वो अजीब लग रहा था यासर, अब मतलब दूसरों के सामने थोड़ा वो हो रहा होता कि मुझे यासर ही कह के बुला रहा है। मतलब अब वो चाह भी रहा है उसको शिफ्ट कराना डैडी पे, तो उसके नहीं आ रहा मुंह पे। लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो खुद ही ओके जी। नेक्स्ट मदर को बुला रहे अपनी बहुत ही प्यारी सी बेटी के साथ, और इनकी अम्मी बड़ी सीरियस न्यूज़ पढ़ती हैं, बड़े बड़े ऐसे से कहानी किससे सुना रही होती हैं, बड़े
लेकिन इनकी बेटी की जो आप बातें सुने, जो मिठास है, जो चटपटापन है, तीखा मीठा हर जो फ्लेवर है ना, वो इनकी बेटी की बातों में मौजूद है. और इनकी बातें ऐसी होती है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इतनी पिज्जी सी बच्ची ये सारी बातें करेगी. लेकिन शायद अम्मी का असर होता है ना, थोड़े थोड़े जो अम्मा इतनी सारी बातें करती है, बेटी के अंदर भी आई जाती हैं. और न्यूज़ के प्रोग्राम करते करते वो जो 9 महीने होते हैं उसमें ना जाने उसने क्या क्या सुना हो. आइए वेलकम करते हैं किरण नाज विद प्यारी सी छोटी सी मेरी क्यूट सी दोस्त आयशा. ये तो सब मेरी दोस्तें हैं. अस्सलाम वालेकुम. झूम के हकोल को घूमे. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द शो आयशा. कैसी हैं आप? मैं आपसे सीधा हॉट में आऊंगी. कैसी हैं? इधर आए आप मेरे पास. आज मुझे आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी है. देखें, मैंने इतनी दफा आप लोगों को शो पे बुलाया, कंफर्टेबल कर दिया ना आप, क्या आप लोग मुझसे खुल के बातें कर सकते हैं. आयशा अपनी मम्मा का ख्याल कैसे करती हैं? मम्मा का सलाह कर. मम्मा को सलाह के लोरी गा के सुनाती हैं या थपक थपक के सुलाती हैं? कैसे सुलाती हैं? क्या करती हैं मम्मा? क्या करती हैं? थपक थपक के. कैसे? जरा मुझे एक्टिंग करके बताओ. जैसे ये मम्मा को कैसे सुलाती हैं? कैसे सुलाती हैं? ला ला ऐसे ये भी बोलती हो? हाँ. अच्छा और क्या करती हो? मैं मम्मा को खाना पका के. बूढ़े बाप रे, खाने में क्या पकाती हो? अंडा. हाँ और वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स ओके. और फ्रूट्स. फ्रूट्स भी पकाती हैं और पैनकेक्स भी तो बनाती हैं. हाँ. अच्छा कभी मम्मा के इतने बड़े बाल हैं, मजा आता होगा ना चुटिया बनाने में, ब्रश करने में. बारबी से कौन खेले? अम्मा के बाल ही बारबी जैसे हैं. क्या ख्याल है? मम्मा के बालों से खेलना. खेलना? खींचती हो रोज रोज से, ब्रश करती हो? ब्रश करती हूँ और उनको हेयर ड्राई करती हूँ. और हेयर ड्राई भी करती है, ब्रश भी करती है. और मम्मा को तंग कैसे करती हो? जिद करके खिलौनों के लिए. जिद करके खिलौनों के लिए. हाँ. और कभी जैसे गुस्सा आ रहा होता है बहुत, तो गुस्से का कैसे बताती हो मम्मा को कि मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है, आई एम एंग्री? बहुत जोर से चीख के. हाँ डांट बता दो ना. कैसे डांटती है मम्मा को? डांटती कैसे हो? जरा एक्टिंग तो करके बताओ डांटने वाली. हाँ ना, एक्टिंग करके दिखाओ जैसे मम्मा को डांटती हो जब. मम्मा कैसे डांटती है? आयशा. फिर बचाता कौन है जब मम्मा डांट रही होती है? कोई बचाने वाला भी तो घर में होता है ना. बाबा. बाबा बचाते हैं. बाबा के पीछे जाके छुप जाती है. अरे मम्मा की, मेरे मम्मा के बाबा हैं. हाँ नाना आपके, वो भी बचाते हैं और इनके अब्बू भी बचाते हैं. चली जाती है मेरे बाबा के पास डंडे से, कहती है मारे बाबा, नानू मारे मम्मा को. ओए 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 ओए. अच्छा ज्यादा प्यार किससे, मामा से कि बाबा से? मामा से. बाबा तो माइंड कर जाएंगे. बाबा का फोन आया है. बाबा बाबा का फोन आया है, कह रहे हैं कि मैं तो बहुत उदास हो गया. बाबा का फोन नहीं आया. वो देखो आया है ना फोन, कैमरामैन मुझे बता रहा है. हाँ भाई कैमरामैन आया है ना बाबा का फोन. वो कह रहे हैं बाबा का फोन आया, वो कह रहे हैं मैं डर वो हो गया, मैं बिल्कुल उदास. अरे बाबा अच्छे अच्छी अच्छी बातें कैसे करती हूँ, किसने सिखाई है ये सब बातें? मम्मा तो नहीं सिखा सकती. मम्मा बातें नहीं सीखी, अपनी दा से सीखी. अपनी दा 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 मेरी बहन. हाँ छोटी. आपकी छोटी? छोटी बहन. वो आपको सारी बातें सिखाती है. हाँ. अभी आपने तय किया है, आपने मुझे लास्ट टाइम कुछ और बताया था, अभी क्या प्लान है बड़े होके, क्या मम्मा की तरह? मुझे नाच नहीं पढ़नी थी इसलिए मैं नहीं आई दोस्तों वाले. बारह बिलोबल वाला जो शो था तो मैं आपसे नाच थोड़ी पढ़ाती. मिलाद थी ना. मैं आपसे नाच थोड़ी पढ़ाती अगर आपको डर लग रहा था पढ़ते हुए, है ना? नहीं ये बिला वजह का वो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. क्योंकि तबीयत सही नहीं थी. हाँ. और उसके बाद इन्होंने जो 2 हफ्ते मुझे कहा आप निदा खाला को फोन करें, बोले हाँ. मुझे बुलाएं शो में. हाँ. मुझे बुला नहीं रही है अभी तक. व्हाट वर्ड्स यू क्रिएट किए रहे. हां जल्दी से ना निदा खाला मम्मा के पास. अच्छा अब मैं नेक्स्ट खड़ी हो जाऊं भाई मैं, क्योंकि अब जो बच्ची आने वाली है उससे मैंने खड़ी होकर बात करनी है. हां कहां बैठो भाई?
हाँ अभी मैं आपको बिठाऊंगी, आज तो मैं बैठने नहीं दूंगी ना आपको, आपने बहुत सारा एक्चुअली आज सारी मेहनत बच्चों ने करनी है जी। हाँ बिल्कुल, क्या जी हम दिल से मेहनत करते हैं, हम तो ऊपर ऊपर से ये लोग हम वैसे दिल से मेहनत बहुत दिल से जब बहन हमारी वो ओके जी मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ, वो आपको अक्सर बड़ी टिप्स देते हुए बड़ी खाने की वैल्यू बताते हुए नजर आती हैं और मजे मजे के खाने पकाती हुई नजर आती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अपनी बेटी को कुछ नहीं खिलाती क्योंकि वो बिल्कुल जैसे मैं थी ना बचपन में, वो मेरी तरह है धान पान। तो आइए वेलकम करते हैं शेफ वरदा को उनकी बेटी अयाना के साथ, अयाना अनाया और अयाना ये देखो अयाना अस्सलाम वालेकुम। अयाना को तुम कुछ नहीं खिलाती हो मुझे लगता है, ये अयाना से पूछ ले। इधर आओ अयाना, छोटी वरदा कैसी हैं आप? ठीक है, क्या खाने की चोर हो? नहीं खाती? खाती हूँ बिल्कुल, पतली दुबली हो। मैं भी ऐसी थी तुम्हारी तरह, पता है जब मैं छोटी थी, और मैं ये दिन मिस करती हूँ। अब तो डाइटिंग करके पागल ये अच्छा है अगर अभी पतला है तो ये बहुत अच्छा बहुत है। ये तो वरदा को पता है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा पता है। आप कैसे केयर करती है अपनी मम्मा की, अयाना कैसे केयर करती है? मैं मम्मा को कॉफी बना के जाती हूँ और हेल्प करती हूँ और घर का ख्याल रखती हूँ, भाई का और सबका। घर का क्या ख्याल रखती हूँ, जैसे मासी से काम करवा लिया? मासी का देखती हूँ कुछ गलत नहीं करती। ओए होए अच्छा, और वो झाड़ू जो है वो कारपेट के नीचे नहीं डाल देती, कचरा सही से समेटती है, डस्टिंग सही की हुई है, कैसे यूँ हाथ लगा के चेक करती हूँ, क्या करती हूँ? मैं बस देखती रहती हूँ उनके साथ कि कुछ गलत नहीं करती, वरना मम्मा को बता देती हूँ। ओ, और अपना कमरा साफ करती हो खुद ही कि नहीं? वो मेट साफ करती है। और अलमारी क्या होता है जब कोई कपड़े निकालती हो, सारी अलमारी के कपड़े बाहर? नहीं ख्याल करती हो हैं, अच्छी बच्ची हो। भाई कितना छोटा है आपका? भाई 7। तो 7, उस भाई को आप संभाल लेती हो, जैसे मम्मा कहीं गई होती हैं किसी शो पे या कोई काम करने के लिए, तो आप पीछे भाई को देख लेती हो कि उसने खाना खाया है, दूध पिया है कि नहीं? हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बच्ची हो गई है भाई। हमारे पास ये सारी जो प्यारी प्यारी हमारे VIP गेस्ट देखे ना, एक्चुअली हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना। आज हमने इनके साथ बड़े मज़े का शो करना है, जो रिलेशन इनका अपनी माँ के साथ है, और वो कहते हैं ना एक सहेली होती है माँ, ये मैंने कहा था ना वो सौतनों वाली चीज़, वो मेरे साथ मेरी बेटी के साथ भी होती है। मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आपकी बेटी है तो यू आर लकी, है ना? एग्जैक्टली, आपकी बेटी है तो यू आर लकी, कि मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई। अच्छा, इस एज में नहीं, बहुत ही छोटी एज से, मेरे ख्याल से बच्चियाँ कुछ ज़्यादा जल्दी एज से बड़ी हो जाती है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये खूबसूरत रिलेशन और हमारे VIP गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और सारी एक्टिविटीज वही करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चलो भाई शुरू करते हैं मेकअप और एक एक करके मैं सब ताली आप मैंने ये होता है बीच में आप लोगों का मेकअप का पूरा वीक, तो वो जैसे ही आप आती थी ब्रेक से वापस, वैसे ये ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हमने देख रहे हैं किसने कितना मेकअप कर लिया, और अब इनके पास टाइम भी बहुत कम है। अब देखते हैं बीनिश हमें कौन सी नई टिप देगी, क्योंकि बीनिश खाला का नाम याद रहता था तो वो हर बार वो मेकअप याद। चलो भाई शुरू करो मेकअप, मीरा सब बच्चे, आयशा का पायाना शायद, नोया, देखते हैं भाई क्या मेकअप करें। पहले सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, चलो आयशा शुरू करो ना मेकअप। आयशा तो अपने आप को स्क्रीन पे देख रही है, आ गया आ गया, डोंट यूज आ गया, जल्दी जल्दी। ओके भाई क्या मेकअप हो रहा है, जरा हम भी तो देखें। हां भाई ये लो अम्मा की ब्रांडेड चीजें लाई हुई है नोया, और वो अम्मा के पास ब्रांडेड मेकअप है, ओए होए फुल आई शैडो लगाया जा रहा है भाई। हां हां ये पूछे क्या बन रहा है, पूछे तो सही बता। सॉकेट, ओहो क्या बन रहा है, सॉकेट बना रही है भाई अपनी मामा के। चलो सॉकेट बनाओ जरा, देखिए तो हम देखिए जरा भाई मीरा कैसे सॉकेट बना रही है मम्मा की। ओहो या अल्लाह, बच्चों को आजकल सब, और बताएं मम्मा का आईज ओपन करके क्यों सॉकेट बनाते हैं, बताएं ना ये सब बताते हैं। वो सॉकेट सही बनता है, सॉकेट सही बनता है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। क्या होता है जब आईज ओपन करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा तो सॉकेट सही बनेगा। आप क्या कर रही है नोया, आप क्या कर रही है, माँ के बाल तो हटा दो। हाँ ओ कॉर्नर से शुरू कर रही है आप, जी जी ग्रेट जबरदस्त, देखिए तो जरा आइए भाई चलते हैं। आयशा क्या कर रही है,
आयशा आप क्या कर रही हैं अभी, क्या लगा रही हैं? मम्मा को आईशैडो लगा, आईशैडो ब्राउन कलर की। शुक्र है मम्मा ने उनको पैलेट ही दिया है, नीला पीला नहीं उनको ब्राउन पैलेट दिया कि मैं सेफ रहूं। मुझे पूरी दुनिया देख रही है, मैं अच्छा खासा शो कर रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का अभी तक बेहतर है। मैं आपको अच्छा करूंगी। ओके ओके, हाँ परेशानी की तो बात ही नहीं, बहुत अच्छा करेंगी। और अयाना क्या कर रही है भाई? अयाना की तरफ भी चलते हैं हम। हाँ आई शेडो लगा रही हूँ। आई शेडो, हाँ पहले पाउडर लगाया था, आई शेडो। हाँ जबरदस्त, चारों आई शेडो। ओ जी जी, अब क्या हो रही है भाई, दिखाएं जरा मीरब क्या कर रही है। कंटूरिंग हो रही है भाई। वो ओ हो अच्छा मीरब की कंटूरिंग ये और ये चेंज है। अल्लाह, एक जमाना ये होता था कि अम्माएं बच्चों को बताती थी रोटियां कैसे बनानी है, खाना कैसे बनाना है, किचन कैसे संभालना है। अब बच्चों को बताया जाता है मेकअप कैसे। मेरे को रोटी भी बेलनी आती है। नहीं कि वो नहीं आए, वो भी आती है, लेकिन नहीं भाई जरूरी है भाई अपने आप को ग्रूम रखना। रोलर पेन से नहीं करती हैं? करते हैं, अब हो गया। ओ कंटूर हो गई। अब नेक्स्ट क्या है भाई? अब ब्लश ऑन। आई नो हाउ टू डू ब्लश ऑन। ओहो वाह, थोड़ा लाइट फूंक मार दीजिएगा। मेरे बाल तो हटाए, मेरे यहाँ लगाए ना। अब ऊपर की तरफ, हाँ ये बस। नोया कहाँ पहुंची भाई? आई शेडो लग गए। ये पॉलेट सही मुझे लग नहीं रहा, ये क्या है? आप लोगों की सर्विस सही नहीं है। फिक्स स्प्रे डाल दी है नोया, जरा देखिए तो सही है। आप ये करें फिक्स स्प्रे, नजर आया कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, आप पैसे पूरे लेती हैं, आपने प्रॉपर सर्विस नहीं करी। अब इतना थोड़ी है तो मैं वो बन जाऊंगी। बहुत महंगा आता है मैडम, ऐसे हाँ कार्टून थोड़ी बनाना है। कहाँ पहुँची? मस्कारे पे पहुँची है। अरे बाप रे, मस्कारा आयशा का मस्कारा, तो देखो मस्कारा लगाओ आयशा जरा। लग गया, अच्छा भी लगा है। अच्छा लगे, ओके ओके ओके। ओए ओए हो गया, ये वाले पे भी सही से। अल्लाह खैर, वाह यार सही लगा रही है वैसे। अपने भी खुद ही लगा लेती हैं खड़े खड़े। अरे माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह मेरी आंखें अच्छी लग रही हैं देखें। वैसे ये एक सेशन होना चाहिए बच्चों के साथ घर में। बिल्कुल ऐसी ही लड़की की हुई है, ऐसी ही लड़की की हुई है। ओके दैट्स ग्रेट। और अयाना क्या कर रही है भाई? अब आप ब्लश तक पहुंच चुकी हैं। पहले आईब्रोज बनाई थी, अब ब्लश। आईब्रोज, आईब्रोज से ब्रश बनाने मेरा आईब्रोज भी बनाई है। माय गॉड, आजकल के बच्चों को हम तो लिपस्टिक और ब्लश के अलावा कुछ जानते नहीं थे, ये तो आईब्रोज मस्कारे सब पता है। कंटूरिंग भी हुई है भाई, वो तो देखो ना एक बच्ची ने कंटूरिंग की है। नोया कहाँ तक पहुंची है? अच्छा मस्कारा लगा। नोया तो फुल डेप्थ में मेकअप कर रही है तेरीम का। बेटा तुम्हारे पार्लर संभालने वाली पैदा हो चुकी है तुम्हारे आगे, वो कहते हैं विरासत। पता में। वो ब्रांड, अभी मैं अपनी ऑर्गेनिक स्किन केयर पे काम कर रही थी, तो मेरे साथ बैठ के मेरे ऑयल्स के नाम और बटर बॉडी बटर्स के नाम, नो दिस इज नॉट इन मम्मा, ये बहुत पुराना नाम है, प्लीज नहीं ऐसे मत करें। तो इन्होंने अभी जो मैंने अपना डे ऑयल निकाला है उसका भी नाम इन्होंने रखा, मतलब और आप याद रखिएगा ये नाम मैंने रखा है। तो आप, मैंने कहा हाँ हाँ जी, हाँ भाई आपको कमीशन मिल जाएगी। क्या कह रही है भाई मीरा? We are almost done. यहाँ से शुरू करें और बहुत लाइट लगाइएगा। मेरे लिपस्टिक लगा रही है, ये क्या स्ट्रोक दे रही है भाई? ओह ग्लॉसी लगा रही हो मीरब की, ये मैट है लिपस्टिक। लिपस्टिक कौन सी है, मैट है कि ये ग्लॉसी? ग्लॉसी मैट, मैट है। ओए होए जल्दी ड्राई होती है अब ऊपर भी करो कह रही जल्दी ट्राई होती है। अरे होंठ प्लीज प्यारे बनाइएगा, ये छोटे छोटे होंठ मुझे नहीं पसंद। हाँ ठीक है, लोगों ने लाइक सुना हूँ। ओके अब ओए होए आयशा पहुंच गई है भाई। आप, इन्होंने जब मस्कारा लगा दिया है
अब ये फेस पाउडर लगा रही है, इनकी अपनी सीक्वेंस है ये आराम से। आप पूछें कि अगर मुझे ये कलर शेड चेंज करना हो तो फिर मैं क्या करूंगी? लिपस्टिक चेंज, लिपस्टिक का कलर अगर अच्छा चेंज करना हो, अगर मेरे पास वो कलर नहीं होगा तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये क्या कलर चेंज बताएं, क्या करूँ कैसे बताएं? खाला पूछ रही है ना, टैप टैप करके क्या करेंगे? टैप करेंगे और उसके बाद हम लोग कर देते हैं, हाँ मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे आप दो कलर्स मिक्स करके बनाएंगे। ये शेड बन जाता है। हाँ, जो भी कलर ना हो उसको आप दो तीन कलर मिलाते थे, वो किसी ना किसी शेड बन जाएगा। आप क्या करिए आयशा? सॉरी, लगाना ही तो है, प्यारी मैं कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग। क्यों कर रही है कॉन्टोरिंग? ताकि मेरी मम्मा खूबसूरत लगे। नहीं तो इससे होता क्या है कॉन्टोरिंग करने से? इससे सब प्यारे बन जाते। अरे मुंह क्या लगता है इससे? चले, बहुत प्यारा मुंह, बहुत प्यारा मुंह लगता है। कह रही है कॉन्टोर करने से बहुत प्यारा मुंह लगता है। बस अब जो है ना, बस अब कैमरा पे अब मैं भूल जाती हूँ कि कैमरा भी है कोई आसपास। चले और क्या रह गया? ब्लश ऑन, यू आर डन या मतलब हाई स्पीड में मेकअप किया आपने तो भाई मेरा। बिकॉज़ वी हैव टू वेयर। हां, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या करोगी आप इधर? क्या करोगी आयशा? है ये शेड लगाना है? हाँ। क्या शेड? आंखों के नीचे भी शेड लगाओ? नीचे भी शेड लगाना है। ओहो, उफ आयशा, ओहो फूक मारी है, जैसे देखने वाली फूक मारी है उन्होंने। इनाया कहाँ, आयाना कहाँ पहुंची? दोबारा नहीं फूटे? वेरी नाइस आयाना। ओए होए, वेरी बच। कितना रह गया है आयशा मेकअप मम्मा का? इतना सा, थोड़ा सा। नहीं ये वाला नहीं, बस इसी से कर ले। क्यों हो गया इधर से? क्यों नहीं, नहीं ये वाले ब्रश से कर लेना, ये वाले ब्रश से मेकअप करके मम्मा का सेल्फी भी खींच रही है। अब जरा तस्वीर खींच के दिखाई कि तस्वीर में कैसा लग रहा है। वाह वाह, सच के जाओ, देख ले भाई ऐसा लग रहा है, मेरे भी देख ले। और ये तो भाई फुल यहाँ पे नोया जो है वो प्रॉपर कॉन्टोर। ये नोया हम कैसे शूट करें? तुम्हारी पूरी बैक है। हाँ, थोड़ा सा हमें शूटिंग कुकिंग शो भी करें। ओके भाई, अब अम्मा के लिए कुछ बनाए। मेकअप शो हो गया है, क्या चीज? कॉन्टोरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मुंह पतला लगता है। कॉन्टोरिंग इसलिए करते हैं कि मुंह पतला लगता है। अम्मा का है भी 1.5 किलो का मुंह ना। और ये ब्रश ऑन क्यों लगाते हैं? ये क्या है, ये क्या लगा रही हैं आप? पता नहीं, पता नहीं। अच्छा, ये क्यों लगाते हैं वैसे? अच्छा, ये लगाते कहाँ हैं? ओहो, ये क्यों लगाते हैं? ताकि अच्छे बने, अच्छे बन जाए। और हमें मेकअप उतार के सोना चाहिए कि ऐसे ही मेकअप में? मेकअप उतार कर ना स्किन गंदी हो जाएगी, और वैसे भी बच्चे तो मेकअप नहीं करते ना। मम्मा मम्मा कर लेती है, बस ये लगा दे। बच्चे में, बच्चे क्यों नहीं मेकअप करते वैसे? बच्चे मेकअप, हम लोग मेरे पास अपने डैड ने मेरे जर्मनी से अपने मेकअप दिलाया। वो तो बच्चों वाला मेकअप है ना, तो कह रही बच्चे मेकअप ना, बच्चों वाला मेकअप है, किड्स मेकअप है ना वो। और लिप ग्लॉस भी लगा देते हैं, ग्लॉस लगा। लेकिन जैसे मम्मा मेकअप करती है या मैं करती हूँ, वैसे तो आप नहीं कर सकती ना अभी। क्यों नहीं? शादी में मम्मा अपनी लिपस्टिक्स लगाती हैं। नहीं, जैसे आप अभी मम्मा जैसा मेकअप क्यों नहीं करती, क्या वजह? क्या बाबा को गुस्सा आता है? है ना, बाबा को भी गुस्सा आता है, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। और जी बना रही हूँ। कौन सी आई? पफी आई। कह रही मैं पफी आईज बना ये पपी आइस कम कर रही है। ये जो पपीनेस होती है जब हम शेड करते हैं तो पपी आइस कम होती है। ये अपनी अम्मा से सुना होगा ना, इसने जो सुना है, इन्होंने याद रखा है, वो बड़ा अच्छा कर लेती हैं। ये ले बस, चले डन। अब लिपस्टिक देख लिया लगा हाय किरण की सांस आपके चल ये लोग किरण खाला को ये धोखा दो। चलो
नहीं मेरे पास है वेट टिश्यू है, चलो लगा ले। अच्छा लिपस्टिक मेरा बहुत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लो बनाओ बनाओ ये लो वाइट है ना, एक नहीं ये सब नहीं करो यार, ये सब नहीं करो, ये सब नहीं करनी है। अभी छोटे आप अपने हैंड साफ, अभी बात पहले आप हैंड साफ करें, सबसे पहले ओ मैं उठा ले ये लीजिए, आप सबसे पहले अपने हैंड साफ, नया कान तक पहुंचे ये मम्मा के, अभी मुंह पे नहीं लगाइए। वाह ओ माय गुडनेस लुक एट हर, यस ये तो भाई तेरीन तुम अब ये तुम्हारे सैलून में जाने वाली एज हो गई इसकी, मुझे लग रहा है तुम जब इसकी एज की थी तो तुम्हें इतना सेंस था मेकअप का? हमें तो पिछले 10 साल पहले भी कुछ इतना कोई खास सेंस नहीं था, 12 साल पहले तक याद है दुनिया की हर बेस हमारे मुंह पे होती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लिटरली चार चार तहें होती थी हमारे फेस के ऊपर, पहले ऑरेंज लगती थी, फिर उसके बाद 36-38 लगती थी, उसके ऊपर पैनकेक लगता था, फिर उसके ऊपर पाउडर लगता था, और फिर हो सकता है कि दो सीन्स के बाद बोले आए हैं मेकअप खराब हो रहा है, ये एक दफा फिर फ्रेश करते हैं। आयाना ने भी खुद अपना लाइनर लगाया है, लगवाया है, लगवाया है। ओह माय गॉड देखिए तो जरा आयाना अभी पूरी शॉक, पूरे लाइनर लगाना, आयाना को बहुत शौक है। आयाना किस बात पे लड़ती है मम्मा से? आयाना का मेरा एक ही बात पे झगड़ा होता है, किस बात पे होता है आयाना? मम्मा मुझे हेयर स्टाइल करती है मगर सलोन में, और नेल आर्ट करते मैंने पेडी करवाती हूँ और बाल डाई करवाती हूँ मैं, इसके नहीं करवाती। ओहो ओहो अब मैं जब भी सलोन जाती हूँ मेरे से नाराजगी। मेरी बेटी ने पहले पर्पल बाल खुद कराए फिर मैंने कराए, और हाँ मतलब लाइक जी इजाज़त मुझसे, मुझे बताया कि मुझे ये करवाने हैं, फिर से मुझे मशवरा दिया, देखे मैं तो अभी छोटी हूँ मेरे ये बाल तो कट जाएंगे ना, तो ये जो ड्राई बाल हो जाएंगे जो पर्पल हैं वो तो हम काट देंगे, अभी मेरे लंबे बाल हैं, और आपको खुद ही आपने कहा है कि इतने लंबे तुम नहीं रखो, बाद में लंबे नहीं रहते नहीं तो, तो उन्होंने मुझे फुल पटाया है, और वो अपने स्कूल में पर्पल बालों वाली मशहूर है, वो देखो पर्पल बालों वाली हो गया, हो गया जबरदस्त भाई, तैयार कर लिया मम्मा को चलो नहीं नहीं सीरियसली अच्छा है, अब अच्छा दिखाएं, हाँ परफेक्ट है, मैं नहीं देखना चाह रही अच्छा भाई मीरब को मेकअप में सबसे बेस्ट चीज कौन सी लगती है मम्मा के ऊपर? डार्क रेड लिपस्टिक और सो डार्क ब्लू डार्क ग्लिटर आई शैडोज आल्सो काजल आल्सो मस्कारा। ओह माय गॉड अब नोया को इयररिंग्स टू नोया को अपनी अम्मी के ऊपर सबसे काजल भी लगा लिया क्या भाई बहुत अच्छा मेकअप किया नोया। नोया तुम्हें सबसे अच्छी अम्मा पे क्या चीज लगती है मेकअप? खामोश रहे तो अच्छा नहीं नहीं मैं वो मेकअप की बात पूछ रही हूँ, मेकअप की बात की, जैसे उसने कहा ना रेड लिपस्टिक ग्लिटरी आई शेडोज मम्मा को, अगर मम्मा ने कॉन्टोर किया होता है तो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है? नहीं ज्यादा नहीं, मतलब मेकअप इज ऑप्शनल, इट्स नॉट जस्ट फॉर लाइक मेकिंग यू प्रिटी, ऐसी करते हैं, बट कॉन्टोर आई थिंक लुक्स गुड। अच्छा तुम्हें तो मतलब लाइक बता रही है कि मुझे कॉन्टोर अच्छी लगती है अपनी मम्मा, क्योंकि इट गिव्स हर फेस अ लिटिल बिट ऑफ मोर यू नो शार्प लुक। बेटा आ गई तुम्हारी सैलून संभालने वाली अच्छा आयशा आपको आपको मम्मा के ऊपर मेकअप में क्या चीज अच्छी लगती है? लिपस्टिक। कौन से कलर की? गोल्डन कलर की। ये गोल्डन कलर कहाँ है? ये कौन सा कलर? कौन से कलर की लिपस्टिक, कौन से कलर का आई शेडो अच्छा लगता है आयशा को? पिंक अच्छा लगता है। पिंक लिपस्टिक और आई शेडो गोल्डन हाँ। चमक वाला हाँ। आपको मजा आता है इसमें है? और बाल कैसे अच्छे लगते हैं मम्मा के? बहुत अच्छे। नहीं बाल खुल अपने आप देख रही है ना, बंधे हुए या खुले हुए? खुले हुए। खुले हुए बाल। और आयाना आपको अपनी मम्मा पे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मेकअप में? क्या कैसी लिपस्टिक लगाती है? नहीं कौन सी कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है? ये वाली लाइट कलर्स जी, डार्क कलर्स नहीं अच्छे लगते? नहीं लाइट कलर्स। और मस्कारा वगैरह ये सब चीजें आई मेकअप? नहीं सिर्फ लिपस्टिक बस। मम्मा शादी हो कोई मेकअप नहीं किया बस लिपस्टिक लगाएगी ऐसा? जैसे अभी जी। ओह भाई अप्रूवल। अच्छा भाई मैं अम्माओं से भी पूछूं कि अम्माओं को अपनी बेटियां
किस तरह अच्छी लगती हैं, किस रूप में अच्छी लगती हैं, कि जैसे मीरा होता है ना, माओ को शौक होता है। मुझे अपनी बेटी को बहुत शौक था फ्रॉक्स बनाने हाँ। का, लेकिन उसको जीन्स पहनने का। जी जी, बहुत दुख है। मैं आज मेकअप रूम में यही कहती थी कि मुझे इतना शौक था कि नोया बचपन में इस तरह के फ्रॉक्स पहनती थी। इसकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि इसको एलर्जी हो जाती है। सेम ईयर, तो मैं नहीं पहना सकती। वो सिला बिल्कुल अपने अब्बा पे गई है, तो वो अब उसका अब्बा भी कोई चुभने वाली चीज नहीं पहन सकता, वो भी नहीं पहन सकती। चुभने चुभाने का बड़े मसाइल है, लेकिन इनको भी ड्रेसेस बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पर मुझे हाँ, नीचे लॉन्ग ड्रेसेस पसंद है, फेरी ड्रेसेस पसंद है। मैं क्या हर वक्त तो नहीं सब चीजें पहनी जा सकती हाँ। बड़ी कि मुझे वाकई ये ड्रेसेस में और ये मुझे हाई बन में बहुत अच्छी लगती हाई बन में। तो इसको बड़ी उलझन होती है, जैसे ही मैं इसको ड्रेस पहनाती हूँ, अब हम मेरे हाई बन मानने की मुझे भी हाई बन में अच्छी लगती है बच्ची फ्रॉक पहनी हुई हाई बन स्लीक वाले पसंद है, स्लीक वाले पसंद है, फूले फूले वाले। और तो मैं तुम्हारा दिल चाहता था ये फ्रॉक्स पहने, और मुझे अब दिल चाहता है कि ये ईस्टर्न कपड़े पहने जो कि ये नहीं पहनती, तो अब मैंने तंग आके खरीदने ही छोड़ दी। और अयाना का कैसे है, क्या पसंद है भाई अयाना जो है, तुम्हें क्या पसंद है अयाना के ऊपर? मुझे अयाना पे ज्यादातर जो है वो फ्रॉक्स ज्यादा अच्छी लगती है हाँ। और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में अयाना खुद सब कुछ पहनती है, ये गरारे शरारे फ्रॉक्स तो इसलिए कोई जीन्स सब पहनती हैं, बस इनको स्टाइलिश लगना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आएगा, थोड़े कट्स वट्स चाहिए अगर ईस्टर्न भी या शरारे पहन रही हैं ये, तो अगर कट्स नहीं है तो फिर ये नहीं पहनेंगे। और तुम बताओ जरा किरण जी, तो वो खुद ए आर वाई का मेकअप लगेगा भाई। तुम बताओ किरण, मुझे आयशा आयशा के बाल जो हैं, वो आयशा की अपनी ख्वाहिश होती है कि इनके बाल खुले रहें। अच्छा। लेकिन मुझे आयशा के हेयर स्टाइलिंग का बड़ा क्रेज है, तो मैं कुछ ना कुछ आयशा के डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाती हूँ रोज। अच्छा। और आयशा के कोई और बाल बांध रहा होता है ना, मुझे टेंशन रहती है कोई और ना बांधे। ये चाहती है कि इनके बाल खुले रहें, और मैं चाहती हूँ कि इनके बाल और इसके अलावा इनको पसंद है फ्रॉक्स, ये प्रेफर करती हैं कि फ्रॉक्स पहने। मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे कपड़े मैंने पहने हैं वो पहने, ट्विनिंग करें। अब आज का इस तरह का इनका सेम ड्रेस मैंने रेडी किया था, लेकिन इन्होंने रात को जिस वक्त मैं सो गई अपने बाबा से ये फ्रॉक निकलवा के रेडी किया कि मैं निदा खाला के शो में ये पहन के जाऊँगा। फिर आपको एक और चीज बताती हूँ, कल रात को हमने लैंड किया है कराची, तो इनका गवादर में इनका ये वाले स्निकर्स रह गए थे, इनको स्निकर्स बहुत पसंद है। हाँ। हर फ्रॉक और हर चीज के साथ स्निकर्स चाहिए होते हैं, तो कल इन्होंने उधम मचा दिया वहाँ पे, हम होटल में भूल गए और फिर सुबह कॉल की तो वहाँ मिला नहीं। हमने लैंड किया और लैंड करके घर नहीं गए, हम सीधा शॉप पे गए, वहाँ से सेम जाके उसको पिक्चर खोल के दिखाइए ये वाले शूज चाहिए, शूज निकाल के दिए और मुझे उसको जोर से बोल रही है वहाँ पे खड़े, मुझे सुबह निदा खाला के शो में जाना है, वो क्या कहेंगी मेरे शूज कहाँ हैं, मेरे स्टिकर्स कहाँ हैं, मुझे दें ये वाले जूते। उन्होंने जूते वूते निकाल के दिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए क्यूट सा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब नेक्स्ट ये सारी बेटियां अपनी मम्मा के लिए कुकिंग करेंगी, ये देखते रहिए कि इनकी अम्माओं को इनके हाथ का पका हुआ खाना भी खिलाएंगे हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वो दिन याद होंगे आप सबको जब आपने अपनी अम्माओं के साथ किचन में खड़े होके दिन गुजारे होंगे, अपनी अम्मी से कुछ सीखा होगा या फिर उनके लिए कुछ बनाया होगा। ये हर घर में होता है और हर बेटी माँ के लिए ऐसा करती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, नोया तहरीम के लिए कुछ पका रही हैं, मीरब जो है वो सादिया के लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं, है ना, अयाना भी कुछ कर रही है अपनी मम्मा के लिए, और आयशा क्या बना रही है, मम्मा का गायब है, क्या बना रही हो अपनी मम्मा के लिए? और अंडे और चीज ब्रेड और चाय और अंडा और चीज ब्रेड। और उनको नाश्ता आप खुद बना के देंगे अपने हाथ से, है ना। और बताएं मीरब क्या बना रही है भाई अपनी मम्मा के लिए, आप बताएं। मैं बनाऊंगी ऑमलेट, ओके, और उसके साथ ब्रेड, उसके साथ ब्रेड। नोया क्या तैयार करेगी? चाय भी चीज ऑमलेट और एक ब्रेड और ठीक है, हमें रेसिपी भी बताना ना फिर, ताकि हम भी फिर जो है ना कुकिंग करती हैं वो माइक्रोवेव ओवन में मैक्रोनी बना लेती हैं, पास्ता बना लेती हैं, जो मुझे आज तक नहीं आया कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर किस तरह बनाना है। ओवन में आता है ऑब्वियसली, चाय बनाती हूं वो भी बताएं। चाय दिन में 10-12 दफा हम इससे बनवाते हैं। अच्छा, तो ये बनाती हैं, ओके। ये और बात है कि वो चाय ठंडी होती है। हाँ आयशा क्या हुआ, कुछ कह रही थी आप, हेलो हेलो को बुला रही थी। अच्छा मम्मा तो आ रही है ना अभी, वो मेकअप अपना सेट करने गई हुई है ना, जरा क्यों थोड़ा कम था ना, थोड़ा डार्क करने गई हुई है इसलिए। आपको अच्छी लगती है ना डार्क मेकअप में वो? हाँ। आ गई मम्मा, आ गई
ये देखो आगे। चलो भाई आप भी अपना नाश्ते बनाओ, आप अपनी मम्मा की हेल्प से आग वाग का काम सारी मम्मा करेंगी। देखते हैं वर्दा ज्यादा अच्छा खाना बनाती है या आयाना अच्छा खाना। आयाना कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। आयाना कॉफी कैसे फेंट के, हाँ हमारे पास वो है ना बीटर है तो हाँ। उसके थ्रू वो बीट करती है कॉफी को और मिल्क जैसे मुझे चाहिए कॉफी, इनको पता है ये कॉफी वैसी बना के देती है मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। चलो भाई शुरू करो, आयाना बना के रही हो तुम। अच्छा मीरा इसमें देख ले पहले हाँ। है क्या क्या? फ्राइड एग के ऑमलेट। हाँ? ऑमलेट अच्छा ठीक है। गरम है दूर रखना हाथ भाई साहब, आप माएं अपने बच्चों को गरम उससे सी आप देखिए क्या है आपके फादर। आई थिंक सो इट्स बटर, माय फादर इज आल्सो बटर। राइट आई हैव आल्सो बटर। ओके ओए वो बटर से पैक करके रखी है चीजें भाई बच्चों के लिए। इसको ना बेटे साथ साथ समेटते भी इसमें चीजें सब पैक करके रखी हैं जो आपको चाहिए अगर आपने कुछ लेनी है, ब्रेड वगैरह सब पैक करके रखी है। दिस इज चीज। चीज आप ऑमलेट में क्या क्या डालती हो नोया? मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ चीज ऑमलेट। अच्छा चीज ऑमलेट अच्छा। तो आपको मैं कांटा दूँ, आपको फेंकना है इसको, ये लीजिए। चले भाई अपनी मम्मा के लिए अच्छा छोटे छोटे से हाथों से हाई फ्राइड पैन पीछे रख दो जरा, जब बाद में जरूरत होगी तो कर लेंगे क्योंकि सब छुप रहा है। ओके चलो भाई चीज का स्लाइस, चूल्हा छुपा रहा है ना चीज कैमरा पर, चीज का स्लाइस नहीं है। है 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 ये देखो इसमें कहीं होगा ये रहा। अच्छा अब एक एक करके अगर बी केयरफुल बी केयरफुल। आयशा का देखा, आयशा कैसे आप एडिट करेंगी? ओके छोटे छोटे से हाथ देखना पे कपड़े नहीं, इससे से आशीष पे हैंडना लगाई हुई है हॉट है बेटा बहुत छोटे से स्पून से। चलो क्या करोगी आप? मिक्स कर रही है भाई। हाँ अब इसके अंदर और क्या डालना है आपने? शुगर एग में क्या करी नहीं। फिर ये डालना। अच्छा एक ऑयल तो इस पे डालेंगे। देखिए भाई थोड़ा सा हम डालेंगे पहले, आप मिक्स कर रही है। अब क्या करिए जरा दिखाएं कैमरामैन भाई। तोड़ दिया। ओए 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 Yes. नीरब को दिखाएंगे नीरब क्या कर रही है। हाँ अंडे क्या हुआ? ये ले अब नहीं वो तो हाथ साफ करेंगे। अच्छा ये लीजिए तो क्या करूँगा? हाँ करिए हम ये रस में नमक, ये रस में ब्लैक पेपर, ये डालना। सारी बेटियाँ अपनी मामा के लिए नाश्ता तैयार। बेटे ओपन किया था उसको। हाँ गिरा है उसमें नमक है ना। हाँ अच्छा भाई कहाँ तक पहुँचे नोया? नोया ने थोड़े से प्याज डाले हैं, थोड़ा क्या डाला बताइए। मैंने हरी मिर्च डाली थोड़ी सी और मैंने बहुत डाली है क्योंकि मामा को बहुत पसंद है हरी मिर्चें। मामा को बहुत पसंद है। अच्छा और मैंने थोड़ी सी प्याज डाली। ठीक है नोया ने तो भाई डाल दिया है, फ्राइंग तो नोया खुद कर सकती है। नोया बाल पीछे करो ऐसा ना हो कि वो गरम गरम उसमें लग जाए। ओके और अब आयाना को देखिए भाई, आयाना क्या कर रही है? क्या कर रही हैं आप? पहले मैंने एक क्रैक किया था। हाँ? फिर अनियन, फिर कोरिएंडर। अच्छा फिर चीज। ये देखो छोटी वर्दा आ गई। सॉल्ट भी डल रहा है उसमें। ओए आयशा क्या डाल रही है ऑमलेट में? प्याज, चॉप प्याज। और क्या क्या डाला आयशा ने? ये क्या है आप बताएं? मिर्ची। ओ लो इतनी सॉरी मुझे, बस अम्मा की आवाज खराब हो जाएगी, दीखा हो जाएगा दीखा शायद देखा। अरे आपके हाथ ना लगाओ, आपको बहुत मिर्ची लगेगी और फिर ये हाथ अब आंखों में नहीं डालना बेटा। बस थैंक यू। दीखा होगा बहुत मजे का बनाए ऑमलेट, बहुत मजे का होगा। और क्या डालोगी? दिस इज अच्छा बन रहा है। हाँ बहुत अच्छा बन रहा है। ये क्या डाल रही हो? ये क्या डाल रही है आयशा? नमक। नमक नमक थोड़ा डालो कि ज्यादा डालोगी? थोड़ा सा शायद आप मुझे ज्यादा डालना होगा। क्यों? मैं थोड़ा सा डालूंगी वेजिटेबल हो जाएगा ये तो। ओ अगर नमक डालते तो वेजिटेबल बनती है। हाँ? नमक डाल के वेजिटेबल। अच्छा आयशा को शौक है कुकिंग करने का? बस आयशा बताएं, आयशा आपको शौक है कुकिंग करने का? हाँ नहीं जी मजा आता है किचन में। हाँ। आटा गूंदने का शौक है? कितना मजा आता है ना आटा गूंदने में। मम्मा के साथ आप क्या बनाती हैं? पराठा।
छोटे छोटे से पराठे बनाती है। वो भी चकोर नहीं, वो भी गोल 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 पराठा। नोया जब छोटी थी, नोया को क्या शौक था किचन में जाके बनाने का? रोटी पराठा, बेकिंग करने का। बेकिंग करती है वो, अभी भी करती है। जी मेरी भी खाला चलता है। चल गया, चल गया, चल गया भाई। निदा खाला क्या कह रही हो भाई? ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। निदा खाला पे रोक चल रहा था। निदा खाला कैसे? अच्छा अब आप सही से उनसे पूछे उन्होंने क्या क्या डाले, तो बताएंगे। हाँ, मिल्क तो मिल्क क्यों? हाँ, डालती पूछे मिल्क बताएं। मिल्क इसलिए जो वो हमारे पास फ्रेशनेस हुआ है, जो हमको बॉडी को ग्रेट बनाए और आपके जो आपका ऑमलेट उसको क्या रखता है? सॉफ्ट रखता है जी। में ये इस काम में नहीं, इसमें ये मैं कर रही हूं। आप बटर में बना रही हैं आप? है नहीं ना दूसरी कोई चीज, तो हमने कैसी में बना लेते हैं। अच्छा नहीं, ऑयल रखा हुआ है बराबर में है वो ऑयल। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नजर नहीं आया। ऑयल बराबर में तो बटर में भी मजे का। तो लेकिन मम्मा तो आपकी हर वक्त डाइट करती रहती है, अब आपने अपने हाथों से बनाया। आज तो खाऊंगी, शदीद भूख लग रही है। चलो बटर हो गया, मेरे पे काम करते। जूस है? जूस भाई, जूस है, जूस मंगाए भाई। ये लो, ट्रे में हम बटर में क्या करते हैं, ये फ्राई कर लेते हैं पहले, ठीक है? आपके बैग में है, आप लेकर आई हैं। उसको पिघलने तो दो। हाथों से ट्रे सजाएंगे अपनी मम्मा के लिए। देखो बता रही ये वाला। हाँ मुझे से बताती जाए मम्मा। अब फ्राइंग पैन में कब डालेंगे अंडा? अब फ्राइंग पैन में हम क्या डालेंगे? सबसे पहले बटर, 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 बटर। ओके, और बटर पे हम ये फिर ये डालेंगे। हाँ कभी ऐसा करोगी कि मम्मा सो रही होंगी, मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट बना के ले जाओ, मजा आएगा ना, सरप्राइज। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सूंघ रही है अंडा फेंट के, सूंघ रही है। अच्छा अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करते, ये सारे बच्चों की एक एक ये प्रॉब्लम होती है, नाश्ता नहीं करते। भाई नोया नाश्ता करती है? बिल्कुल नहीं, नहीं। और अगर कभी कर ले, जैसे तुम कहो चलो मैं बाहर लेके चलती हूँ नाश्ता। हाँ, फिर तो आप बताए तो खा, क्या खाने के शौक है इसके? फिर ये चीज ऑमलेट खाती है शौक, मशरूम ऑमलेट खाएंगी, स्पिनच ऑमलेट, लेमनेट भी नाश्ते में वो भी। आयशा का बताओ, आयशा नाश्ते की शौकीन है, नाश्ते की चोर है? ये खाना खाती नहीं है बस। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और अगर कभी तुम बाहर जाओ, हलवा पूरी या कोई ऐसी चीज खिलाने? नहीं कुछ भी नहीं खाना। हाँ। मुझे हलवा, बस हलवा खाने का शौक। हाँ। बस जो जिस चीज का नाम लेते हैं वो अचानक से एक शौक बन जाता है। हाँ। लेकिन खाती नहीं है मुझे नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, खाती नहीं है। नाश्ते में तंग करती है, नाश्ते में, खाने में, हर चीज में। उठने के बाद ना खाती नहीं है फौरन। अच्छा, क्योंकि वो दूध की आदत पड़ी हुई है। मैं होती नहीं थी, बाबा दूध दे देते थे, तो अभी तक इनको दूध ही चाहिए। वही सुबह। और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ब्रेकफास्ट करवाऊँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती। अब हो सकता है आज अपना ऑमलेट खा लेंगे बना के खुद। ऑमलेट बनाती क्यों आयशा, क्यों बनाती है? कौन से ड्रामे में देखा था आपने? कौन बनाता था? रूमी के पापा। रूमी के पापा, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो में रूमी के पापा बनाते थे। रूमी के पापा हर वक्त ऑमलेट बनाते थे ना, तो ये हर वक्त ऑमलेट क्यों बनाते रहते? फिर उठती थी और अपने बाबा से, बाबा मुझे ऑमलेट बना देना बेटा, मैं वो महविश नहीं हूँ। क्यों बाबा को अपने तुम ऑमलेट बनवाती रहती हो? तब से इनको पता चला है कि ये ऑमलेट होता है और इनको शौक हो गया है। ड्रामे से सीखा। अब अयाना अब हम क्या करेंगे? हैंड दूर रखिएगा, ठीक है? मम्मा डालेंगी, नहीं मैं डालूंगी। बेटे आप नहीं डाल करते, अयाना भी नाश्ता नहीं करती। अगर जबरदस्ती इस रात में कुछ नहीं खा के सोई है तो थोड़ा बहुत एक स्लाइस खा लेंगी बटर के साथ, दैट्स इट। अदर नाश्ते के चोर, नाश्ते के बच्चे चोर है ना, दोनों बच्चे चोर, दोनों बच्चे। और मीरब का बताएं भाई, मीरब क्या नाश्ता करके जाती? हाँ चाहे तो उसमें ये दूध और चोको बॉल के साथ, फिर एक से डेढ़ घंटे बाद इनको ये होता है कि प्रॉपर ये ऑमलेट इनको। अच्छा हाँ, इनको सॉसेज ऑमलेट बहुत पसंद है। पैनकेक्स अच्छे लगते हैं, पैनकेक्स अच्छे लगते हैं और फ्रेंच टोस्ट। और मैंने एक नया सीखा है, अंडा जो के ऊपर। हाँ, अंडा सैंडविच, अंडा सैंडविच। अच्छा, क्या आप ही ने इनको कुछ सिखाया है? हमें खुद भी नहीं पता क्या है। हम लोगों को खाने का कुछ नहीं पता क्या खाएं, हर चीजें पुरानी पुरानी चीजें खाने के लिए, पुरानी पुरानी। हाँ वो कहती है रोज कुछ नया खाना लाए, मैं क्या लाऊं? मतलब मुझे ये बताओ
कि रोज नया क्या लाऊं, ऑमलेट हर तरह के बन गया। वो ये तो तुमसे कह रही है पुराने पुरानी वही ऑमलेट, वही सॉसेजेस ऑमलेट, वही मशरूम ऑमलेट। तो मैं कि तुम क्या करूं, सर नीचे कर लूं, आगे ऊपर कर लूं। आजकल के बच्चों को क्या हो गया, कैसे कुछ नया आएगा। हाँ, अब जो मेरी खोके वो इंटरनेट से देख के यूट्यूब से खाना बना रही होती है, क्योंकि वो नया तो हो। हाँ, सुन लिया, डाल दो ये मैं बेटी, बच्चों को वैरायटी चाहिए। आगे चल के हम क्या करेंगे तहरीन, बच्चों को हर चीज में वैरायटी चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड हैं ये बच्चे। हाँ। वही ना, इसका क्या मजे का बनाया है, वाह भाई वाह भाई वाह। जस्ट कम हियर एंड सी, आई कैन सी, वाओ, स्क्रीन पे सब देख रहे हैं कि मीरब ने इतना अच्छा अंडा फेंका है, और ये मम्मा के लिए बन रहा है और मीरब के लिए भी। इसमें मिर्चे ज्यादा है, तो हरी मिर्चे मैं निकाल लूंगी भाई, अपने लिए क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा वैसे मीरब को सबसे अच्छा क्या लगा, तो नहीं तुम्हें कुछ ट्रे तैयार है? ओहो भाई, नोया का तो पूरा सैंडविच, और अपनी मम्मा के लिए जो इन्होंने ट्रे तैयार किए, ब्रेड रखी है, अंदर ऑमलेट है, और क्या क्या लगाया हुआ है अंदर, मैंने लेटस भी डाली है। मम्मा के लिए पूरी इस तरह की ट्रे तैयार है। सच्ची बताओ, मम्मा स्कैम्बल एग खाती है, मम्मा ये नहीं खाती। हाँ, मैंने अभी सिर्फ लाइक डिसीजन की, मैंने थोड़ा सा हाँ प्रेजेंट करके बनाया, वरना मम्मा घर में भी कभी ट्रे सजा के दिए मम्मा को? सच सच बताना, एक दो दफा? हाँ, कभी मम्मा की बर्थडे पे या कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज दिया है मम्मा को? बस केक भी नहीं लाया था। ओ, पता नहीं वो पता नहीं क्या सोचते थे मम्मा, वो शादिया पे इतना जोर से बोला था नहीं। इधर तो देखो, इधर इधर देख के बात करो ना। मम्मा बोलती है नहीं 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 नहीं, देखा देखा अब तुम लोग को पता चले, जर्मनी ले जाके तुम लोग जो है सो टेलर ट्रीट करते हो। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने खुद बोला था नो नो नो। अच्छा, नहीं करवाऊंगी एक चीज भी। चल भाई, चीज भी आ गई। हाँ तो भाई, कभी मम्मा के लिए केक बेक किया है नोया ने? मम्मा के लिए कोई चीज बेक की है? मम्मा के लिए नहीं, मम्मा नहीं, मतलब किसी पर्सनली किसी के लिए नहीं, मतलब ऐसे सबके लिए जनरली। जैसे मेरी खाला आई थी कुछ दिन पहले, मैंने उनके साथ बेकिंग की थी। हाँ, और फिर सबको केक पसंद। ये कप्स में केक्स बनाती है। हाँ, वो इंटरनेट से देख के ना, मग केक्स जो होते हैं उनकी वैरायटी कम होती है, तो मतलब आपको ज्यादा हॉकर भी नहीं होता खाना खाने का। क्वांटिटी कम होती है उनकी, क्वांटिटी कम है, तो इसलिए अम्मा को तो डाइट की सूजी रहती है। नहीं क्या, मम्मा तो केक नहीं खाती है, खाती नहीं, सिर्फ लोटस केक खाती है। अच्छा, आप बनाती है वो? नहीं नहीं, वो अभी नहीं आता। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ भाई, आयशा। ओहो आयशा ने देखो जरा भाई, टेबल सेट हाथ जल गया। आए हाय, अब हाथ जल गया तो अब क्या लगाएंगे हाथ के ऊपर? सनी प्लास लगाऊंगी। किचन में खड़े हम क्या क्या कर सकते हैं? चीनी पानी होगा। क्या लगाएं, चीनी पानी? हाँ, फौरन से पहले अगर हाथ जल जाए तो चीनी पानी। नहीं नहीं बेटे, आपको नहीं कहा, आप ना छोड़े 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 भाई। आप सब बच्चे ट्रे सेट कर रहे हैं भाई, मेरी टीम जरा सबकी क्लोजेस दिखाए कितने अच्छे से। चलो भाई सेट करो अपनी मम्मा के लिए ट्रे, प्लेट में, प्लेट में, प्लेट। आहा, चले इसमें आपने जली लग सकती है। ओ, प्लेट तो बड़ी हो गई, प्लेट बड़ी हो गई है, तो हम दोनों चीजें एक एक में ही रख लेते हैं, है ना? वाओ, मीरब की भी प्लेट सेट हो गई है। बहुत अच्छा मीरब, वेरी नाइस। मैं चाह रही हूँ ये ना कि आपकी वो छोटी है, तो मैं इसी में ये सेट भी कर दूँ ना। ओ ये, वाह भाई वाह, मैं कर दूंगी इसको। अच्छा, बॉइल्ड एग भी साथ रख रही हो आप नोया, ठीक है? आयाना क्या करी अब आप? अच्छा, ये तो आयाना जो है ना, इसकी सेटिंग जो है वो तो सबसे अलग होगी, क्योंकि उसकी अम्मा जो है वो जाहिर है टीवी पे सेटिंग कर रही होती है आके खाने की। ओए ओए, तो आपकी ट्रे भी सेट हो गई। अब हमारे चारों बच्चों ने भाई ट्रे सेट कर लिया अपनी मम्मा की मदद से मिलकर, कि किचन में अभी इतने छोटे होकर ना अकेले नहीं भेजे हैं भाई, क्योंकि आग और ये सब चीजों का खेल है। बच्चों को जूसेस भी आ गए हैं भाई, जिसको जूस, इसको चाहिए जूस भाई, खास तौर पे इसमें जूस मंगे। नीरब को लाओ मुझे दो, वो टी बैग तो नहीं है इसमें, तुम्हारे पास है तो हमसे शेयर कर लो। चलो तुम चाय नहीं पियो ना, तुम जूस रख लो। हाँ ये लो। थैंक यू। ओह वेलकम, ये लीजिए भाई आपके लिए भी, आपको जूस चाहिए?
सबके पास जूस आ गया। हाँ जी, टेबल सेटिंग है भाई, वो ट्रे सेटिंग हो गई है। ये क्या है? ओहो, आराम से हाथ बचाना बेटा। नहीं, नहीं, बेटे, मैंने क्लियर करने को कहा। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ करना, ठीक है भाई। ये इसकी ड्राइंग वॉइंग मुझे लगता है अच्छी होगी, है ना? वाओ, आई मेरे तो सबसे खतरनाक चीज ये थी। क्या? नहीं, चूल्हा नीचे रखना। रख दिया। चलो चले भाई, अब सारी ट्रे तैयार हैं। और अब क्या करना है उस ट्रे के साथ? मम्मा को क्या कहना है? अब समझो मम्मा सो रही हैं और आप आयशा मम्मा को जगाने गई है ट्रे लेकर, तो क्या कहेगी आयशा मम्मा को? कि मम्मा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट रेडी है। अब मैंने अपने हाथों से बनाया, पूरे जुमले बोलो ना, जोर जोर से बोल के बताएं ना। हाँ। मुझे कैसे उठाएंगी? मैं प्लेट से उठाएंगी। प्लेट से उठाएंगी? क्या प्लेट से? कैसे? हाँ, ट्रे से। ट्रे से? वो नहीं, आप मम्मा को सोते से कैसे उठाएंगी? वो ये कह रही है मैं खाना बेड पे रखे, खाना बेड पे रख के आप उनको बोलेंगी योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। हाँ, और पप्पा तो करेंगी ना एक, कैसे करेंगी? हाँ, अगर अम्मी तुम्हारी सो रही होंगी नोया तो तुम क्या करोगी? कैसे लेके जाओ? खुद पी लिया अम्मा का जूस। कैसे उठाएगी नोया? मम्मा को यूजुअली मैं नहीं उठाती, मम्मा वैसे जल्दी उठ जाती है। हाँ, तुम्हें उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट। तुम जाओ, मैं थोड़ा लेट उठती। मेरा मम्मा सो रही होंगी, ट्रे लेकर जाएंगे, वो फ्लावर्स भी रख दिए। जी बेटा, हमारे मम्मा के घर में जितने आर्टिफिशियल फ्लावर या कहीं हो और ये कुछ ला रही हो तो वो भाग के जाएंगी वहाँ से, एक फ्लावर लगाएंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे देखा है करते हुए ना, तो वो इनको आदत है। अभी जब आई ना, करी मम्मा इधर है मेरा, आप बताओ मम्मा क्या खाओगी? कॉफी बनानी है? मम्मा उठिए, ये नाश्ता बन गया आपका। ओए होए होए, ऐसे में इतना अच्छा नाश्ता भी जहर लगेगा। चलो ओके जी, एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते हैं कि ये प्यारी प्यारी सी अपनी अम्मा की सहेलियां क्या करने वाली हैं नेक्स्ट सेगमेंट में अपनी माँ के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम, पता है ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना, वो बड़े स्कूल भी कम जा रहे हैं, ज़ाहिर हफ्ते में दो दिन जा रहे हैं, तो बच्चे बड़े बोर हो गए। तो ये एक्टिविटीज़ जो है ना, वो बच्चों के साथ हम घर में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद यहाँ से पिक कर पाएंगे, क्योंकि वो वाली चीज़ है कि मेरा बच्चा भी बड़ा बोर होता है घर में, और वो कहता है कि सब छुपन छुपाई खेलें, ओनो खेलें, फिर कभी कहता है कंप्यूटर पे कोई गेम खेल लें, तो वो एक चीज़ आजकल बड़ी ज़रूरत है ये। अभी पता है आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों के लिए आपने अपनी मम्मा के लिए बुके तैयार करना है, प्यार से उनके लिए फूलों को आप बुके सजाना है, सेट करना है, और इसके बाद उस बुके को हाथ में पकड़ के, ठीक है, मम्मा वहाँ खेलेंगी सांप सीढ़ी, यानी मम्मा जो है वो जो डाइस होता है उसको फेंकेंगी, जो भी नंबर आएगा उस नंबर को फॉलो करके आपने इस पर, सब ने इस पर चलना है। कभी आपको सांप सीढ़ी सीढ़ियों से ऊपर ले जाएगी, कभी आपको सांप जो है वो नीचे ले जाएगा, तो ये आपने करना है, ये गेम है। और जो सबसे पहले नंबर पे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, उसको ये चॉकलेट एंड फ्लावर भरा बुके मिलेगा हमारी तरफ से, फ्लावर्स आपकी मम्मा के लिए, चॉकलेट आपके लिए। अभी आप प्यारा सा बुके बनाए और फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तैयार है बुके? सिर्फ आपको 1 मिनट दे रहे हैं, फिर हमने खेलना है। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, डिफरेंट कलर्स के साथ। हाँ चलो भाई, जल्दी जल्दी कर लो। ओए चलो जल्दी करो, हमने गेम भी स्टार्ट करना है। आप वाइट वाले लगा दो। ओए ओए, आयशा आपको फूल अच्छे लगते हैं? आयशा को फूल अच्छे लगते हैं? खुश सूंघ भी रही है ना, मतलब बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। हाँ, बस ख्याल से ऐसे प्रेस करके अच्छी खुशबू अगर है, अच्छी आ रही है ना खुशबू, कितनी है ना, फ्लावर्स कितने अच्छे। अच्छा, अभी फ्लावर्स तोड़ने चाहिए कि नहीं तोड़ने चाहिए? तोड़ने चाहिए। नहीं, पूरे सुने क्या, क्यों तोड़ने चाहिए आयशा? ताकि फिर उनको तोड़ के खुशबू आए। ओहो, अच्छा सजाएं। लेकिन वैसे हमें, हम फ्लावर्स तो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, तो अगर हम बाहर खड़े हों
तो हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए ना आयशा, क्योंकि फिर उनको दर्द होगा ना, है ना? सही नहीं होगी उनकी फीलिंग, है ना, फीलिंग सही नहीं होंगी। तो हम बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे हैं गार्डन से फ्लावर्स तोड़ लेते हैं, वो गंदी बात, हम लोग पहले ही तोड़ते हैं, तोड़ती हैं, उधर बताएंगे। अच्छा हम किसी को फ्लावर्स देते क्यों हैं ये तो बताओ। इसलिए जब मोहब्बत होती है। ओए होए भाई, मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, तभी आप किसी के लिए देते ना फ्लावर्स, दोस्ती के लिए फ्लावर्स, बर्थडे पे। हाँ ओए होए होए, छोटा सा तैयार है आप लोग बुके, चलो आप खेलते हैं, मामा सारी उधर चली जाएं भाई, टिकट काट लिया, बाकी का भी नहीं हुआ, बस मीरम का हो गया, मीरम मीरम मीरम, चलो भाई जाओ सारी मदर्स उधर जाओ, टाइम शॉर्ट है भाई, आपके बच्चों ने सांप सीढ़ी खेलना है, ये लो फ्लावर्स, जाओ भाई सारी सारी मदर्स, नहीं अभी आप हाथ में लेके जाओगी ना, या हाथ में ना लो, बच्चों को मुश्किल होगी, छोटे बच्चे, वहाँ एंड पे रखवा दे सारी, ठीक है, ताकि खूबसूरत लगे, चलो चलो मदर्स सारी उधर चली जाओ, वहाँ रख दो जाके, हाँ स्टार्ट, हाँ यहाँ रख दो, आगे आगे करके बेटे, चलो वो मैं उठा दूँ, चले रेडी भाई, तहरीम, हाँ सब बच्चे एक ही कलर पे खड़े हो, ओके आयशा आ जाओ, छोटू अच्छा ब्लू उठाया तुम्हारी मम्मा ने, ब्लू उठाया तुम ब्लू कलर पे जा रही हो, इधर आओ, पिंक पिंक भाई, पिंक दे दो उससे पहले, अच्छा फिर पिंक कलर पे आओ आप, एंड ऑरेंज मुझे, ऑरेंज पे आ जाओ, किरण ऑरेंज पे ले लो, हाँ ओके, चलो भाई सबसे पहले कौन खेल रहा है, किसी को भी खिलवा लो, चलो खेलो, आपसे स्टार्ट करते हैं, सादिया आप शुरू करो, सादिया वन आया, स्टार्ट पे आ गई मीरम, ओके जी नेक्स्ट डालेगी, नेक्स्ट क्या आया है, ओ भाई वन, आप भी वन पे आ जाओ आयाना, और भाई नेक्स्ट मदर तहरीम, क्या किसका सोच रही है तहरीम, ओ अच्छा ओके, कितना ओहो भाई आयशा आप तो सबसे ऊपर चली गई, थ्री, ओ माय गॉड आयशा, अब देखो भाई क्या आया, वन नहीं थ्री, पता नहीं, वन दोबारा कर लो, दोबारा आया है, सिक्स सिक्स आ गया, सिक्स पे पहुंच जाएं भाई, ओके जी सादिया, फिर एक फिर मार डालेगी, आज जो मीरा मम्मा ने बांध लेकर आई है, हाँ भाई बहुत मारेंगी, चलो जल्दी करो जल्दी, अगली दफा मन नहीं आया तो मार डालेगी, फाइव आप चली जाओ उसके पास, नौया के पास, हाँ भाई मेरी बारी, हाँ किरण, टू ट्वेंटी फोर, उधर आ जाओ आयशा, आयशा 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 इधर आएगी 24 पे, ठीक है चलो भाई तहरीम, ये सीढ़ी है फाइव, हाँ नहीं फाइव पे नहीं वो सिक्स पे, टू टू टू, ओके अब सादिया सिक्स, आ जाओ मेरे अब सिक्स पे, वन टू थ्री फोर फाइव, और नोया के पास सिक्स, इधर नोया के पास, ओके हाँ जी नेक्स्ट वन, वन फिर वन, चलो भाई तुम सेवन पे आओ, हाँ भाई किरण सिक्स, ओहो हो आइए भाई, ये तो गई हो गई, ये तो फिनिश हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या बात है भाई, ये लो ये वाला तो फ्लावर आपके लिए, बास्केट आपके लिए हो गई, अपनी मम्मा को दाके दे दीजिए, खेलना है और आप जीत गई ना, अब खेलना है बस, ठीक है ना, अब देखते हैं ना आपके बच्चों में सेकंड कौन आता है भाई, अभी तो खेले, थैंक यू, वो तो जीत, हां भाई अब किसका नंबर आया है, सिक्स सिक्स, सादिया किसका तुम्हारा था, अच्छा 4 4 4 4 मेरा पूरा 4, 1 2 3 4 ऊपर जाओ मेरा, शुक्र खुदा का, 1 4 जाओ आगे, 4 इधर 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 इधर, 1 2 3 4 चली जाओ, आया ना ऊपर, मुझे नीचे करते, ओके नेक्स्ट भाई सिक्स, मामा फोर लाइव, फोर क्या लाइव, फाइव फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, उई नीचे आ गई, सेवन सेवन, उई उसने भी कहा था मुझे, आप मुझे, चलो सादिया बेटा आप, फोर वन टू थ्री फोर, ये
लगी रहा अब। चलो भाई तुम्हारा क्या है? फोन। तुमने अपने बेटी को आयाना फोन फिनिश। ये लीजिए छोटी आयशा। आयशा कैसे पकड़ेंगी आप? इतना बड़ा बड़ा सा है ये तो। ओह माय गॉड, ये तो आयशा के लिए आ गया। आयशा की मम्मा को दे दे। आंखें बंद करने वाला खेलेंगे। ओके क्लोज योर आईज आयशा। क्लोज योर आईज। खोल के खोल के। नहीं नहीं क्लोज योर आईज कह रहे। क्लोज योर आईज प्लीज। सरप्राइज। अच्छा ओके। अच्छा भाई सबसे फेवरेट नोया, जब छोटी थी तो नोया का सबसे फेवरेट गेम क्या था? याद करो, हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉच। क्या नोया को हमने ट्रॉली मेरी बहन ने गिफ्ट की थी बर्थडे पे, तो वो ट्रॉली लेके आती थी और वो हमें चाय और नाश्ता बेचा करती थी और खाना भी बेचा करती थी। वो ट्रॉली आती थी जैसे वो जहाज में आती ना ट्रॉली, उस वक्त ट्रॉली आती थी लेकिन वो हमें खरीदनी होती थी। वो चाय बनती थी, अभी वहीं पे खड़े खड़े चाय, अच्छा नहीं जूस चाहिए तो उसी में चम्मच लगा के वही जूस हो जाता। मीरब, मीरब का सबसे फेवरेट गेम क्या है? ये तो अभी हुआ है, आगे अभी हुआ है। नहीं नहीं ये बाकी घर में भी होता है और बहुत चीटिंग से जीतती हूँ मैं। और मुझे पसंद है जो पकड़ने का गेम, आप पकड़म पकड़ाई जी हुई हुई, और हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। ओए ओए। हाँ भाई आयशा का फेवरेट गेम कौन सा है? आयशा तो छुप गई है ना इसकी टेबल के पीछे, मैं इधर कर। हाँ आयशा का फेवरेट गेम कौन सा है? चेयर को रखना और उस पे घूम के। म्यूजिकल चेयर्स, म्यूजिकल चेयर्स है ना। और कौन सा फेवरेट है? पकन पकड़ाई और पकड़म पकड़ाई। और कौन सा पकड़म पकड़ाई? मेरा फेवरेट शॉपिंग शॉपिंग कार्ट है वो, उसके साथ हम सबको लेके उनका पूरा शॉपिंग कार्ट लगा हुआ है वहाँ पे, शॉपिंग काउंटर है वो पूरा, उसमें सारा दिन यही करती रहती हैं। दो हमने इनको ट्रॉलीज ला के दी हुई है, वो एक अब्बा को पकड़ा देती है, एक मुझे पकड़ा देती है, खुद शॉपकीपर बन जाती है। हम ये खेलते रहते हैं सारे दिन, चीज़ें खरीदते रहते हैं। कभी कभी हमारी चीज़ें भी उठा के कहाँ कहीं भी नहीं मिल रही होती, घर में कहाँ मिलेंगी जी, आयशा के शॉपिंग सेंटर में मिलेंगी, तो वहाँ से चीज़ें निकाल के लाते हैं। वाओ। और भाई आयाना का फेवरेट गेम कौन सा है? ओहो छुपन छुपाई खेलती हैं। और गुड़िया से कोई नहीं खेल रहा, मैं ये नोट कर रही हूँ। किचन सेट। हाँ किचन हाउस, डॉल हाउस ऐसे सजा रहता है। आई हैव अ डॉल हाउस, मैं उससे पूरे दिन खेलती हूँ। मुझे इतना महंगा इनको एलओएल हाउस दिलाना पड़ा था वेरी नेक्स्ट डे। एलओएल हाउस मीरब के पास है, मम्मा एलओएल हाउस गिफ्ट मिला है, सारी लड़की ने एलओएल हाउस दिया है, मुझे भी लेके दे। फिर मैं लेके गई और मुझे एलओएल हाउस दिलाना पड़ा। बड़ा महंगा पड़ा था, एलओएल की पूरी सीरीज दिलानी पड़ी थी। बिल्कुल। और अगला भी बता देते, अगला भी बता देते एलओएल का। वॉशिंग बेसिन भी बताना, तो पानी भी आता है, पूरे बर्तन भी वॉश होते हैं। आयशा आयशा को बता दिया मम्मा को। अच्छा आयाना भी डॉल से खेलती है? हाँ। नोया तुम खेलती हो डॉल से? नहीं कभी भी नहीं खेली। नहीं शुरू में इनके पास काफी डॉल्स थे, गिफ्ट भी बड़ी हो गई है ना आप, लेकिन अब वो एज निकल गई ना, अब तो हमारे घर में आपको स्टफ टॉयज भी इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। यार मेरी तो हसरत ही, मेरी बेटी डॉल से खेली ही नहीं। इन लोगों को नहीं है शौक, पता नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों वो उसको जो दूसरी चीजों से, लाइक जो भाई खेल रहा है वही खेल रहा है। वो फिर ये होता है, ये अकेली थी तो मुझे इतना शौक, नहीं, 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 ऐसा दुनिया जान की गुड़ियाएं जमा की हुई थी। हाँ। लेकिन उसके बाल मैं ही बना रही हूँ। मैं कोई और नहीं खेल रहा तो मैं ही खेल लूँ। डॉल हाउस ला के रखा, शादी रचाई थी हमारे यहाँ डॉल हाउस से, लगे 4-5 किस्म के डॉल हाउसेस थे। वो सना भी ले आई तो वो भी बहुत बड़ा सा डॉल हाउस, मेरी बहन आई तो वो भी डॉल हाउस, तो वो एक हमने बर्थडे इनकी थर्ड बर्थडे जब सेलिब्रेट की तो 3 डॉल हाउस निकले ना उसमें से। आप सोच रहे क्या कर सकते हैं, और आपने खोले हैं चूंकि और एक इंसान ने देख लिया है, अब आप किसी को दे भी नहीं सकते, आप रख भी नहीं सकते, अब वो यूज होंगे। हाँ। वो एक ऐसा टाइम होता है ना कि बच्चे को पता है कि मेरे पास क्या क्या है। हमारी अम्मा तो छुपा जाती थी ना। हाँ। तो हम अपने बच्चों से कुछ छुपा नहीं, हमेशा बर्थडे पे ही होता था ना कि कुछ गिफ्ट जो है वो छुपा दिए जाते थे, कि रिजर्व कर दिए जाते थे अगले किसी इवेंट के लिए। हम तो कर ही नहीं सकते, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनको बहुत उस बात पे गुस्सा चढ़ता है। लेकिन मैं इनको एक चीज सिखाती हूँ, बताएं जब हमारे पास एक जैसे बहुत सारे गिफ्ट आते तो हम क्या करते बताएं, दूसरों को गिफ्ट करते थैंक यू, देन यू से यू आर वेलकम।
नहीं वो फिर आपके पास जब तीन एक जैसे गिफ्ट होते हैं तो आपने क्या किया था अभी रिसेंट बर्थडे पे किसी की, वो फिर हम किसी और को गिफ्ट करते हैं। अच्छा। फिर मैंने कहती हूँ कि आप इसको ओपन नहीं करेंगे ऐसे, ये तीन आ गए ना आपके पास, कोई बात नहीं हम इनको रख के फिर मामा का मतलब है जैसे किसी और की बर्थडे है मामा मुझे खोलने नहीं दे रही है किसी और को दे दे। हाँ तो इसमें बहुत गुस्सा होता है, मतलब ये है मतलब मामा मेरा बहुत प्यारी बच्ची है वहाँ जाके। हाँ नहीं इनको वो नहीं बोलती नहीं, और अक्सर देखिए ये एक चीज है मेरे बेटे तो भांडा फोड़ चुके हैं, ये यही करती है मेरे बेटे तो भांडा फोड़ चुके ना होता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ये और आ रहे अगर किसी की भी फ्रेंड किसी फ्रेंड की बर्थडे में जा रहे हैं तो उनके साथ फिर एक गिफ्ट हमारा भी आता है। तो ये एक मुझे लगता था कि भाई मैं आप लोगों के साथ है, आप किसी की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने जाएं तो अपना साथ में आना लाजमी है, लाजमी लाजमी। और आयशा को अपनी चीजें इतने अच्छे तरीके से याद होती है, आयशा की जो कजिन है आयशा के साथ वो अंडरस्टैंडिंग है कि आयशा टॉयज इनमें एक्सचेंज होते रहते हैं, ये अपने टॉयज देती रहती है, उसके घर पे जाती है और पूछती है ये मेरा वाला है, ये मेरा वाला किचन सेट है ना, ये भी यही करती है। फिर घर में अगर कोई स्पून रह जाए कुछ रह जाए फिर वो काउंट करेंगी, अरे मम्मा ये तो उस पर रह गया है, फिर लेके जाएंगी घर पे देंगी। आयशा किसको देती हैं आप किचन सेट अपना, आरोश के लिए लेके जाती है फिर घर से सारा जमा करके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी को उनका गिफ्ट उठा के दे दिया जाए क्योंकि वो फौरन बता दिया जाएगा कि बॉक्स के अंदर जो पैक है वो मेरी बर्थडे पे आया था, मम्मा ने आपको दे दिया। अच्छा भाई किसको बहुत शौक है फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट करने का, माँ बाप की एनिवर्सरी है या फिर कोई बर्थडे है किसी की भाई के लिए, तुम्हें बहुत शौक है? हाँ क्या करती हूँ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ चीज़ों? हाँ इसको भी ईद आने वाली है, ईद की तैयारी नहीं मतलब मेरे फ्रेंड्स और मैंने जब काफ़ी दफ़ा स्कूल में जब बिफोर पैंडेमिक हम लोग टीचर्स के लिए जब बर्थडे क्लास में तो तुम लोग अरेंज करते थे इनको सरप्राइज और ये सब? हाँ एक टीचर को पता चल गया था। अच्छा लेकिन ये तो टीचर की बात हुई ना, आप बताओ घर में जब आरेज की बर्थडे होती तो क्या करती है पिंडोया कुछ घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं क्योंकि मैं देख जब हम लोग स्कूल में करते हैं तो मैं चीजें नहीं लेके आती, मैं बस मतलब डेकोर कर देती, मैं सिर्फ मैं मतलब मतलब मैं बताती हूँ क्या क्या कहाँ मैं नहीं लेके आती बट बाकी सब लेके आते हैं। तो अच्छा जी बताए भाई मीरब क्या करती है जब कोई सेलिब्रेशन करनी होती है? मामा की बर्थडे होती है, मैं और मेरे ड्राइवर ने और मेरी आबी ने प्लान करा था और जमीला ने भी प्लान करा था मामा की बर्थडे के लिए केक लाएंगे और हम लोग डेकोरेशन भी करे थे। किया फिर आपने? जी बलून्स भी लगाए थे, बलून्स भी लगाए थे, दो उनसे फट गए थे स्ट्रॉबेरी से और एक मुझसे भी फटा। हाँ तो मामा खुश हुई फिर? मम्मा खुश हुई, सरप्राइज हुई, मम्मा को कार्ड भी बना के दिया था। ओ वाओ नया कार्ड तो तुमने बनाया होगा। मेरी भाई की बर्थडे थी इस दफा तो पेंडेमिक के बीच में ही मेरी बर्थडे, तो इन्होंने पूरा जो ड्राइंग रूम में बलून्स लगाए थे और मुझे कहने लगी आंख बंद करें, फिर पूरी वीडियो बनाई, फिर मेरे ड्राइंग रूम में लेके गई। यहाँ पे क्या पेस्ट्री था तो बिस्किट्स थे और न्यूटेला थी, सब बंद था। मार्च मेरी बर्थडे होती है, हाँ तो सब पेंडेमिक की वजह से बंद हो चुका था, बट इन्होंने और आर एस ने बहुत एफर्ट सजाया। आयशा क्या करती है? आयशा उस तरफ आओ ना, मुझे आप नजर नहीं आ रही, चुप चुप रही हो। अब बताइए मामा क्या करती है? बिस्मिल्लाह आयशा अब मम्मा सो रही होती हैं और मैं डेकोरेशंस करती हूं बर्थडे पर। हमारे घर पे सरप्राइज पार्टी का सबका वो है, सबकी होती है और रात को जिस दिन 12 बजे होती है, आयशा की एक चीज है जिसकी वजह से हमारा सरप्राइज जब से ये आई है और जब से बोलना शुरू है बर्बाद हो जाता है। ये हम कोशिश करते हैं कि जिसका सरप्राइज है उसको तो पता चले ना चले, आयशा को नहीं पता चलना चाहिए, ये हमारे साथ खड़ी होंगी सब कुछ करवाएंगी और उसके बाद जिसकी बर्थडे होगी ना उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी, चुपके से उसके पास जाएंगी, बात सुने कमरे के अंदर ना मम्मा नन्ना सब लोग मिलके आपके लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारी डेकोरेशन की हुई है, इनके अब्बा की हमने इस दफ़ा बर्थडे प्लान किया था, वो मैंने थीम वगैरह बुलाया, वो सारी चीज़ें मैंने समी को घर से निकाल दिया बिला वजह लड़ाई करके कि तुम जाओ। हाँ इन्होंने फ़ोन मिलाया है पीछे जाके और फ़ोन पर करके अपने अब्बा को बोला है कि बाबा मम्मा ने ना इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ है, वो बलून्स लगा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, आपकी ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल 10th August है ना, तो अभी मदर्स डे और सारी चीज़ों पे क्योंकि वो पैंडेमिक था सारा के सारा, तो उसमें आयशा के स्कूल में इनको मिलते थे असाइनमेंट्स,
बर्थडे कार्ड्स के, टीचर कार्ड्स के, तो इनसे वो कार्ड्स हमने बनवाए, उससे फायदा ये हो गया कि इनकी यूट्यूब चैनल पर भी चला गया और हमें सरप्राइज भी मिल गया. अरे वाह वाह वाह. क्या करती हैं आप आयशा, बताइए क्या चीज. नीचे आती थी और देखती थी पी पी के मेरे लिए किया. ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ. कोई सरप्राइज ही इनके साथ रख सकते हैं. भाई अयाना क्या करती है. जाती थी फिर मामा की बर्थडे थी. हाँ रमजान में थी मेरी बर्थडे ना, तो फिर सरप्राइज पूरा प्लान किया. फिर क्या किया था अयाना ने. पापा के साथ केक लेके आए. पापा के साथ केक लेकर आए थे, बलून सेट किया था डाइनिंग रूम में और बेडरूम में. और फिर मम्मा आई थी. मम्मा लेट हो गई मेरी बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए. अच्छा मैं खुद भूल गई थी, वैसे दो दिन तक तो याद था पहले. हाँ. लेकिन फिर भूल गई. तो रमज़ान में मेरी बर्थडे आई थी, तो रमज़ान बहुत हेक्टिक रहता है. हाँ. तो 12 बजे सब लोग बलून्स वगैरह केक वेक रख के बैठे हुए कि मम्मा भी आएंगी. और मुझे फ़ोन कर रहे, मैं शूट पे थी, मैं फ़ोन भी नहीं उठा सकी. मैं 1:30 बजे करीबन घर पहुँची और बेचारे ये लोग सब फ्लावर्स और हर चीज़ लेके बैठे हुए. और मुझे वाकई याद नहीं था कि मुझे इतना सरप्राइज़ करेंगे कि भूल गए रमज़ान है इतना नहीं. और मैं वाकई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी. तो इन्होंने सारा किया था पापा के पीछे पड़ के जबरदस्ती. तो ओके मार्केट बने तो ऑनलाइन गिफ्ट तो ले सकते हैं ना. तो जी एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद माँ बेटी की दोस्ती, माँ बेटी की प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस, ये डिस्कस करेंगे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैज लाया है आपके लिए एक अनोखी सुपर ऑफर. मिलाओ खाओ और बताओ. एक शॉर्ट कोड मिलाने पर आपको मिल सकता है मैकडॉनल्ड्स से डिस्काउंटेड मील्स, इंटरनेट और मिनट्स. तो खाओ और सारी दुनिया को बताओ. ये ऑफर फैमिली और फ्रेंड्स को करीब, दोनों को करीब लाने का, कुछ साथ वक्त गुजारने का एक बहुत ही अच्छा बहाना है. इस ऑफर को हासिल करने के लिए अभी अभी डायल करें *631# और पाएं 1 GB डाटा, 100 जैज मिनट सिर्फ ₹35 में और मैकडॉनल्ड्स से डिस्काउंटेड मैक चिकन मील और मैक फ्लरी. आय हाय हाय हासिल करें. वाओ. तो जनाब ये मैंने आपको ज़बरदस्त ऑफर बता दिया. मैं चल रही हूँ अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट और उनकी प्यारी प्यारी सी बेटियों की तरफ. क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो भाई. ये हो रही है सूट केस में पैकिंग और ये एक बहुत ही अच्छा साथ होता है जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं, कराची से कहीं बाहर निकल रहे होते हैं, पाकिस्तान से कहीं बाहर जा रहे होते हैं. तो ट्रैवलिंग के दौरान जो वो एक बॉन्डिंग है पैकिंग की, वो ज़रूर माँ बेटी के एक साथ होती है. तुम लोग क्या करते हो भाई तहरीम. पहले तो मैं कोशिश करती थी कि ये दूर दूर रहें, लेकिन अब ये होता है कि ये इंक्लूड होनी चाहिए पैकिंग के अंदर. एक तो हमें बहुत कुछ पता है. हाँ. हमें सब कुछ पता है वाला भी सीन है ना कि मुझे. हाँ. पता है क्या करना है क्या डालना है. अच्छा तो, ये भी चाहिए होगा ये भी चाहिए होगा. आप नोया को क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं साथ. आप नोया को अपने आज भी बताइए. हाँ सूटकेस के अंदर क्या क्या लेके जाती हैं. कपड़े. हाँ जैसे स्केचबुक में आर्ट सप्लाई. ओह स्केचबुक दिखाओ जरा. लाई हो कुछ बनाया हुआ स्केच किया हुआ कुछ. हाँ हाँ स्केचबुक का एक अलग बजट होता है हमारी जिंदगी में. हुई हुई दिखाओ नोया को भाई. ये देखें भाई नोया की स्केचबुक है. ओके आई लव इट. अच्छा ये जो लिखा हुआ ये ना पढ़िएगा. अच्छा वो कोई अपने हिसाब की पेंटिंग. हाँ जैसे ये एक बनाया. दिखाओ ये गेम खेलती हैं तो उसकी है. ओह उसकी भाई. हाँ और पता नहीं ये फिर एक बनाया था. वो डिफरेंट चीज़ें बनाती है भाई. पेंट भी करती है. क्यों ये नहीं दिखा रही. अच्छा दिखा नहीं सकती है. क्या ये एक स्केच की थी पेंट नहीं किया. नहीं वो देखनी है मुझे. वो क्या है वो बहुत ही अजीब सी.
सब छुपा रही है। स्केच बुक चाहिए होती है हमें, ये अच्छा शौक होता है कि मैं अच्छा एक छोटा सा ब्लो ड्रायर रखूँ, एक छोटा सा स्ट्रेटनर लगूँ, हालांकि यूज नहीं होता है। हाँ। फिर इनको ये होता है कि जो जो चीजें नहीं भी वहाँ जरूरत होती है ना वो भी डाल, ये तो सारे बच्चों की है। मुझे एक्चुअली इसलिए साथ खड़ा होना पड़ता है कि मैं एक्स्ट्रा चीजें जो वो निकलवा सकूँ। वो जो मेरा छोटा वाला है ना, वो जब मैं यहाँ से अपनी बहन के यहाँ जाती हूँ या भाई के यहाँ जाती हूँ, तो वो अपना बैग खुद पैक करता है, अपना नाइट सूट, अपनी चीजें। बच्चा तो इतना वजनी बैग बनाता है, सारी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देता है। मैंने कहा मैं नहीं ले जा रही ये सामान। लास्ट ईयर जब मैं अमेरिका गई थी तो मैं एग्जैक्टली अपने हैंड कैरी के अंदर उसके सारे टॉयज लेके गई थी। फंस गया क्या करिए क्या जरूरत है। मैंने कहा ये जरूरत आपको तब पता चलेगी जब आप किसी ट्रांजिशन पे रुकेंगे और आपको चलेगा ट्रांजिट पे कि आपके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज़ बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह होता है। अच्छा आप बताओ भी मीरा, मीरा क्या क्या करती है अपने बैग में पैक। मैं अपने बैग में अपने खिलौने पैक करती हूँ। उधर देखो ना कैमरा तो उधर है। मैं खिलौने पैक करती हूँ अपने और थैली में और मैं अपने। चलो पैकिंग तो करते रहो ना मम्मा के साथ साथ, बातें भी करती रहो मेरे साथ, पैकिंग भी। मैं वो करती हूँ जो मेरा पसंद है, मैं उसको ड्राइव करके लाती हूँ। किसको ड्राइव करके लाती हूँ? मम्मा पर करती हूँ। जब मैं एयरपोर्ट आती हूँ मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद में उसको वो बैग को आप घसीट के लाती हो, ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग। ये जो भी आप देख रही थी जिस आयशा खेल रही थी, ये हर जगह ट्रैवल करता है क्योंकि ये चाहिए होता है, पता नहीं क्यों लेके जा रहा है। जो है नकली डॉग जो है। और मैं अपने वो भी डालती थी, क्या बोलती हूँ, अपने कपड़े और नाइट सूट्स। मामा की हेल्प भी करती थी, उनके भी कपड़े डाल। ओए ओए। अच्छा आयशा क्या करती है? पैकिंग करती है, कहीं जा रही होती मम्मा के साथ तो कराची से बाहर। गवादर में कुछ चीजें लेकर जाती हूँ। क्या? जैसे गवादर में चीजें लेकर कपड़े, नाइट सूट। हाँ। ये सारी चीजें मेरे पास। मैं आपको और भी चीजें बताती हूँ। मेरे जो ये नाइट सूट है मैंने अपने दोस्त के घर ले जा सकती हूँ। हाँ। यानी के गवादर। और बेटा और क्या? ये मैंने पहना था गवादर होटल में। नहीं कल रात अभी रिसेंटली आई है ना, कल रात को आई है। बस ऐसे ही बैग खोला और ऐसे ही बैग लेकर आ गई। तो आयशा के साथ सबसे बड़ा मसला ये, मैं बहुत बुरी हूँ पैकिंग में। पहले अम्मी बाबा कर अम्मी कर देती थी, अब समी कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ बता के सो जाती हूँ कि यार, और समी को पता होता है। इनफैक्ट जब मैं बाहर भी यूके वूके में होती हूँ, समी को फोन करके पूछती हूँ यार मोबाइल का चार्जर कहाँ है, वो मुझे वहाँ से बता रहे होते हैं कि इस वाली पॉकेट में रखा हुआ है। आयशा अपने बाबा के साथ होती है एंगेज, लेकिन और ये करती है कि इनके अब्बा जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं अकेले और वहाँ पर जाके वो मुझे फोन किया, तुम बच्ची को देख नहीं सकती, क्यों क्या किया, अपनी डॉग्स कैट्स और गाड़ियाँ और पता नहीं डॉल्स क्या क्या सब बाबा के बैग के अंदर रख दिया और बाबा वो उठा के ले गए। प्लस दो पिक्चर्स डाल दिए, एक अपनी और एक मेरी। क्यों डाली? फोन करके बाबा को बोलती हूँ बाबा मैंने इसलिए रखी था कि आप मुझे मिस कर सकें। ओहो, ओहो। दो पिक्चर्स डाल देती हैं हमेशा हर बैग। आपका पैक हो गया। और भाई आप आयाना क्या करती हैं पैकिंग में? भाई मम्मा की हेल्प कैसे करती हैं? रखती हूँ ये अपना मैं खुद बनाती हैं। जैसे अभी आप लोग बात बता रहे थे ना, मेरा बेटा है, अभी रिसेंटली हम लोग गए थे ट्रैवलिंग पे, तो बैग सब सेट कर दिया, सुबह हमें निकलना है और सब चीज़ रेडी है। अचानक से इसका बैग बहुत हैवी हो गया। इसका या बेटे का? बेटे का। अच्छा उसका बहुत हैवी, और ये जो गुस्से में ना कि इतना हैवी कर लिया मम्मा ने। अच्छा ये मम्मा's डॉटर है। अच्छा मम्मा ने मना करे तो बस वो अली की जासूसी में लग जाएगी। मम्मा ने मना किया है तो नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा अब इसने कहा मम्मा आप जाके अली का बैग चेक करें। मुझे इसने ना वो करी जासूसी करी, मम्मा अली का बैग चेक करें। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? मैंने रात में चेक किया, अभी चेक करें। मैंने कहा अच्छा। रात में जब हम सो गए तो मेरे बेटे साहब को नींद नहीं आ रही थी। जितनी उनकी उनकी गाड़ियां थी हॉट व्हील्स की वो सारी बैग के अंदर थी। उनकी रिमोट कंट्रोल कार निकली, उनके स्टफ टॉयज निकले, उनके ग्लव बॉक्सिंग ग्लव्स भी निकले। अब बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों निकले? वो सर्दी ज्यादा होगी तो मुझे ज्यादा ठंड लगेगी तो मैं बॉक्सिंग ग्लव्स ही पहन लूँ। तो इतना एक्स्ट्रा हैवी हो गया था और दोबारा सब सामान निकाल के मुझे पैक करना पड़ा। वो छप्पड़ में हुआ था, अम्मा को बताना चाहिए। जब अपने शूज देने गई थी ना तो रात को इनको ट्रेनिंग शूज मिले थे वहाँ से, तो इन्होंने अपने लिए भी बगैर अभी कोई इस तरह का ना कोई ड्रेस है ना कुछ है, अपने लिए और आयशा के मम्मा एक जैसा है तो एक जैसा ले लिया। डन भाई, तैयारी हो चुकी है और यहाँ हम डन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को भी। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ। एयर वाई ग्रुप देने वाला है आपके ख्वाबों को ताबीर। एयर वाई ग्रुप
BHA सिटी के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है एक ऐसा घर जहां खिड़की खुलते ही आपको नजर आएगा मैन मेड क्रिस्टल बीच। ये अपनी नौयत का इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहला प्रोजेक्ट है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी की मुंह बोलती मिसाल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है। एआरवाई लगुना के जरिए एआरवाई ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहा है एक लग्जेरियस लिविंग स्टाइल जो आज तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा पाकिस्तान से बाहर। एआरवाई लगुना को बनाने के लिए बनाने का मकसद है कि पाकिस्तान में पहला डाउनटाउन सिटी कायम कर। एआरवाई लगुना में आप एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड जहां मौजूद होगा 22 एकड़ मैन मेड क्रिस्टल क्लियर बीच जिसके लिए रेत भी बाहर से इंपोर्ट की जाएगी, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और इस रीजन का सबसे टॉलेस्ट टावर। जी तो फिर देखिए भाई एआरवाई लगुना को कि वो आपको कैसे एक खूबसूरत जहां देता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सादिया, तहरीन, किरण एंड वरदा, आप लोगों का क्या आप लोग आए और खास तौर पर आपके बच्चों का थैंक यू, और खास तौर पे थैंक यू मीरब आपका, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं आप अगला शो मीरब के साथ कब कर पाऊंगी। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मीरब और सादिया आप कब जा रही हो लंदन? हमारा अभी जर्मनी हमारा 26 तक है इंशाल्लाह, प्लानिंग तो यही है कि 26 को जाएंगे। मैंने बोला जब मैं जर्मनी जाऊंगी वो मुझे पाकिस्तान में जाएंगी, इसलिए छोटा सा घर है वो बाहर नहीं रह सकती हूँ। छोटा तो जी मीरा, वी विल मिस यू, सादिया विल मिस यू, वी ऑल आर मिस यू, थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगी खाला को? खाला को आप भी तो मिस करेंगी ना? मैं आऊंगी जर्मनी आपके पास, मेरे जर्मनी में वी आर वेटिंग, खाला आपके आना है। हाँ थैंक यू, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए मेरी प्यारे प्यारे से भांजियों। इनको बहुत शौक है डॉग से खेलने का। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको आपका बचपन याद आ गया होगा, और अगर अम्मा कुछ दूर हैं आपसे तो कर लें उन्हें फ़ोन, कर लें उनसे दिल की बातें और याद करें अपने उस बचपन को जो बार बार नहीं आता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।